सपने भी बहुत बुरे है क्या? सपने ही नहीं आए, अच्छे है बुरे? अच्छा है, गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहे हो? कुछ भैया दी बोला होगा, एक्सपेक्टेड था। चलो अभी लाइफ ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। चलो आज सेकंड डे है, डायरेक्टली हम लोग क्लास की शुरुआत नहीं करेंगे, एक बार हम काम करेंगे। अभी 15 अगस्त होके गया है, वी विल ऑल स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास, है ना? चलो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज स्टैंड अप। थोड़ा सा कैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, थोड़ा सा गा लोगे तो थोड़ा सा एक एनर्जी भी मेंटेन रहेगा और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, है ना? प्लीज कीप योर मोबाइल फोन्स असाइड एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। स्टैंड स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन। वर्चुअल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब प्लीज जो भी कर रहे हो प्लीज कीप इट असाइड। ऐसा कहला मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, वाही याद बच्चो। स्टार्टिंग से मैं प्ले करती हूँ, ठीक है? 3, 2, 1। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल चल जल दर तव शुभ नाम जाए तब शुभ आशीष मांगे काहे बात है यार, एक बार जोर रहा ताली आप सब लोगों के लिए। वेरी गुड, क्या बात है। एवरीवन प्लीज बी सीटेड। तो ये एक थोड़ा सा एक डेढ़ मिनट का वार्म अप था ताकि आपकी एनर्जी जो है वो चार्ज अप हो जाए। जैसे स्कूल में हम लोग हमेशा क्लासेस जो है या लेक्चर्स जो है असेंबली से शुरुआत करते थे, जहां पे हम लोग प्लेज बोलते थे एंड देन वी यूज टू ऑफिशियली स्टार्ट विद द लेक्चर्स। तो वैसा ही कुछ रूटीन हम लोग क्लास में भी फॉलो करेंगे, ऑफ कोर्स डेली, बट कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करते रहेंगे, बिकॉज पहली बात तो हमारा थियोरी सब्जेक्ट है और ऊपर से फर्स्ट लेक्चर है। बट देखो, जैसे कल हमने बताया था, कोई भी थियोरी सब्जेक्ट एक्चुअली थियोरी नहीं होता है, उसकी एक्चुअल जड़ जो होती है कुछ प्रैक्टिकल इंसिडेंट होता है जिसके वजह से वो कानून बनाया जाता है, है ना? तो देयर इज सम प्रैक्टिकल एलिमेंट इन एवरीथिंग और उसी के हिसाब से हम लोग लॉ पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मैनर में हमें बिल्कुल भी कानून को पढ़ना नहीं है, कुछ कुछ टेक्निकल बातें आएगी जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट ठीक है। ओवरऑल
आप समझने की कोशिश करो कि अगर कोई भी कानून, या चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, कोई भी कानून क्यों ना हो, हर थियोरी सब्जेक्ट का जड़ जो है कोई प्रैक्टिकल एपिसोड या इंसिडेंट ही होता है जिसके वजह से वो आया है। ठीक है, चलो पहली बात तो नया टॉपिक शुरू करने के पहले 2 मिनट के अंदर कल जो भी हमने कुछ किया था उसको हम रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो रिवाइज जब हम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन के इस साइड के बच्चे ओके वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बेटा यार, सारे यहाँ पे हिंदुस्तानी है। ठीक है, इस साइड के सारे बच्चे जो है वो लोग बात करेंगे लॉ के बारे में। ठीक है, और आप लोग जो है आप लोग बात करोगे एक्ट के बारे में, एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने कोई सवाल पूछा कि विच इज द वाइडर टर्म, क्या है, तो कौन जवाब देगा, आप लोग नहीं बोलोगे ओके, ये लोग जवाब देंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा विच इज द नैरोअर कॉन्सेप्ट, तो फिर आप लोग जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, है ना। तो आपको लॉ जवाब देना है और आपको एक्ट जवाब देना है। सवाल मेरे हो गए, जवाब आपका होगा, इस बहाने से रिवीजन भी हो जाएगा और इंटरेक्शन भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जो एग्जांपल में पूछा था वही मैं आपको कह देती हूं, विच इज द वाइडर कॉन्सेप्ट, विच इज द नैरोअर कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ या ना में सभी बच्चे जवाब देंगे। जब कभी भी मैं लॉ की बात करती हूँ, क्या लॉ में एक्ट भी आ जाता है? अच्छा, लॉ इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, आप लोग जवाब दोगे, लॉ इज इक्वल टू, वापिस से, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स, क्या बात है, आप लोग जवाब दोगे एक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश, बोलो, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज। अच्छा, एक्ट कहां पे पास होता है, कहां पे पास होता है एक्ट, पार्लियामेंट में, कहां पे पास होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या रूलिंग पार्टी होती है, सब लोग जवाब देंगे हाँ या ना, क्या यहाँ पे पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के साथ साथ क्या ऑपोजिशन पार्टी भी है। अच्छा, बट हमारा ड्राफ्ट जो है पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास तो हो गया, सभी बच्चे जवाब देने वाले, उसके बावजूद क्या हमें प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है? अच्छा, बट पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया है, ऐसा कोई कानून मिला है, कहां पे पब्लिश होता है, ऑफिशियल गैजेट में, क्या बात है। चलो अब हम लोग लॉ से रिलेटेड ही काफी सारी चीजें आज करने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आधे घंटे का कुछ बेसिक सेशन होगा, बट ये बेसिक्स आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज ये जो लॉ है ये अब आपकी जिंदगी है। अगर आप देखोगे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, फेमा है, एलएलपी है, आईओएस है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है, सीए फाइनल लेवल पे भी आपको 2 बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स है, डीटी और आईडीटी, बहुत सारे लॉस के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो, तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर ऑल द किड्स हु हैव कम फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री के लिए तो लॉ पहली बार उनके जीवन में है, जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं तो भी उन्होंने फाउंडेशन में लॉ की थोड़ी बहुत दुनिया देखी थी, बट द डायरेक्ट एंट्री किड्स हैव फर्स्ट टाइम स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ दिस सीए जर्नी, और इसीलिए ये आधे घंटे का बेसिक सेशन जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब हम एक्चुअल सेक्शन पे जंप करेंगे, वी विल रूट इट थ्रू द प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ओनली। ठीक है, तो कल हमने ये देखा था लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। अच्छा, एक्ट क्या होता है, एक्ट आप लोग बता सकते हो, एक्ट क्या होता है, आप लोगों ने अभी जवाब दिया, एक्ट कंप्राइजेस ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे कि सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज, और एक्ट बनता कैसे, इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ओके, तो एक्ट पार्लियामेंट में पास होके बनता है, तो एनी ड्राफ्ट दैट इज प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट which is passed by both the houses of the parliament, जिसको प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया है, इवेंचुअली जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है उसी को हम कहते हैं एक्ट। बट एक्ट जो है वो लॉ का एक छोटा सा हिस्सा है, एक्ट जो है वो लॉ का एक छोटा सा हिस्सा है। लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, एक्ट तो होता ही है, बट एक्ट के साथ साथ इट ऑल्सो हैज सर्टन रूल्स। कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हो रूल्स के साथ ही उसको पढ़ना होगा, रूल्स के बिगर आपका जो एक्ट है वो अधूरा है, रूल्स के बिगर कोई भी एक्ट को पढ़ना अधूरा है। आपको एक्ट के साथ साथ
रूल्स भी पढ़ना जरूरी होता है। जहां कहीं पे भी एक्ट में लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मींस इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आप लोग सब जवाब दोगे इंक्लूडिंग द वर्चुअल स्टूडेंट्स। कम ऑन गाइस, वर्चुअल स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यूर। आप लोग भी जवाब दोगे कि ये जो रूल्स होते हैं कौन बनाता है और कहां से पास होता है, पार्लियामेंट में या रूलिंग पार्टी? तो किसको बनाना ज्यादा आसान होता है, एक्ट को या रूल्स को? किसको अमेंड करना भी आसान होता है, एक्ट को या रूल्स को? क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी है ऑपोजिशन तो वहां पे कवर्ड ही नहीं। देखो ऑपोजिशन नाम में लिखा है, ऑपोजिशन पार्टी का काम ही है ऑपोज करना। हम नॉर्थ कहेंगे तो वो साउथ कहेंगे, हम ईस्ट कहेंगे तो वेस्ट, उनका काम ही है ऑपोज करना। तो अब देखो ऑब्वियसली बात है, कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट में ले होता है हम कुछ कहेंगे, वो जानबूझ के और कुछ ही कहेंगे। बट जहां तक रूल्स की बात है, रूल्स तो कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी ही बनाती है। तो उनका ही सत्ता है, वो जो चाहे जब चाहे रूल्स बनाएंगे और रूल्स को अमेंड भी कर लेंगे। और इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में 1956 के कंपैरिजन में सेक्शंस को कम कर दिया गया है। 1956 एक्ट में 658 सेक्शंस थे, कितने? और ये वाली जो एक्ट है, ये वाली मतलब कौन सी वाली, 2013, 470 सेक्शंस है बस। कितने सेक्शंस कम कर दिए? बट जितने सेक्शंस कम कर दिए है उतने ही रूल्स बढ़ा दिए है मोदी जी ने। ऑब्वियसली बात है क्यों रूल्स बढ़ाए, क्योंकि रूल्स को अमेंड करना या रूल्स को इंट्रोड्यूस करना आसान है। अरे हाँ, है ना? तो ये जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी बनाता है। और एक्ट जब आप पढ़ते हो बहुत सारे सेक्शंस में लिखा होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब भी होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और जब आप लॉ पढ़ोगे, कल बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था, आप लोग एक्ट पढ़ रहे हो कि लॉ पढ़ रहे हो? तो आप क्या एक्ट के साथ साथ रूल्स भी पढ़ोगे? और रूल्स के साथ साथ आप लोग पढ़ने वाले हो केस लॉज। तो केस लॉज क्या होता है? देखो कानून बनाने वाले तो कानून बना के चले जाते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 150 से भी ज्यादा साल हो गए उसको बनके। कब बना था वो? 1872 में, 1872। आज हम लोग 2023 में जी रहे हैं। दिस इज 151 ईयर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिन्होंने कानून बनाया था वो तो बना के चले भी गए, बट बहुत बार क्या होता है उसी कानून से रिलेटेड दो लोगों के बीच में झगड़े चालू हो जाते हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है और कुछ, बट अब पूछे भी तो किसे पूछे? तो फिर अब ऐसे केस में वी गो टू द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, वी गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और फिर हम ऑनरेबल जजेस से पूछते हैं कि हे जज साहब देखो ऐसी कुछ घटना हम दो लोगों के बीच में हुई है, जैसे कि चिन्नैया वर्सेस रमैया, दो लोग चले गए, वो बेटी और वो मामा जी चले गए कोर्ट ऑफ लॉ में, चिन्नैया एंड रमैया। और कोई कह रहा है नहीं नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें मैं बेनिफिशियल पार्टी हूं तो मुझे कंसिडरेशन मिलेगा। ये कह रही है नहीं नहीं कैसे मिलेगा इसको कंसिडरेशन, ये तो मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, अगर आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। अब कानून तो एक ही है सभी के लिए, बट कोई कह रहा है कि पैसा मिलना चाहिए, एन्यूटी किस, कुछ याद है कि नहीं है? ऐसे मुझे देख रहे हो जैसे कि चाइनीज में मैं कुछ कह रही हूं। चिन्नैया वर्सेस रमैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ किया था या नहीं किया था? कंसिडरेशन वाले चैप्टर में फाउंडेशन रूट किड्स, कम ऑन गाइस, हाँ आप लोग पास हुए वो 25% बच्चों में, आप थोड़ी इज्जत रखो अपनी, नहीं तो सभी को शक होने लग जाएगा भाई क्या पास क्या हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए चिन्नैया वर्सेस रमैया का लिया है केस लॉ, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट लिया नहीं है। तो यहां पे देखो हुआ क्या है, यहां पे केस वही है, मतलब बेसिकली लॉ वही है, एक्ट वही है, बट दो लोग दो अलग तरीके से उसी कानून को इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट एक सही है और एक गलत है। अब हम यही सिचुएशन को लॉ मेकर्स से तो नहीं पूछ सकते, वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो कोई तो होना चाहिए जो इसे इंटरप्रेट करे, एंड दैट इज व्हाई वी गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसी कोर्ट ऑफ लॉ में फिर जज साहब डिसाइड करते हैं ये सही है और ये गलत है। मामा जी को एन्यूटी मिलना चाहिए, ये बच्ची जो है, ये बेटी जो है
वो गलत कर रही है, तो ये सही ये गलत, ये किसने डिसाइड किया है? कोर्ट ऑफ लॉ ने। और ये जो डिसीजन है जो कोर्ट ऑफ लॉ में लिया गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ लॉ, इट इज इक्विवेलेंट टू अ। कल जाके आपकी या मेरे साथ सेम एपिसोड होता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी केस को रिफर करते हुए जो जजमेंट पास किया गया है उसी को हम फॉलो कर सकते हैं। हमें वापस से कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं, एकदम बोल्डली कह सकते हैं कि देखो कुछ साल पहले भी चिन्नैया वर्सेस रमैया में ऐसा कुछ हुआ था और जज साहब ने ये इंटरप्रेट किया था और ये कंक्लूजन पे जज साहब आए थे, और अगर उस वक्त ये डिसीजन था मेरे केस में भी यही डिसीजन एप्लीकेबल होगा। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे यस और नो गाइस? तो केस लॉज आर अ पार्ट ऑफ लॉ, है ना। तो देखो तीन चीजें हैं जो लॉ का हिस्सा है जो आपने अभी तक पढ़ी है, क्या क्या है? एक्ट, रूल्स, और कल ही मैंने आपको कहा था एक्ट, रूल्स और केस लॉज के भी अलावा देर आर अदर थिंग्स विच ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉ। इसके बारे में शायद से किसी ने भी नहीं सुना होगा, दिस इज एक्चुअली टॉट एट द इंटर लेवल, क्योंकि अब इंटर और फाइनल लेवल में बहुत सारे लॉज से आप रूबरू हो गए ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड ऑल्सो और आर्टिकलशिप के समय भी। देखो लॉ का हिस्सा रेगुलेशंस, बायलॉज और ऑर्डिनेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, सभी के पास सेपरेट नोटबुक है लॉ की? मैं आप लोगों को लिखने का समय दूंगी, बट जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग एकदम शिद्दत से जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आप सुनो और उसके बाद हम लोग एक साथ सारे प्रोविजंस को लिखेंगे, ठीक है। आपकी पूरी समरी जो है आपके नोट्स में बन जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सेपरेट नोटबुक आपकी लॉ के लिए होना जरूरी है जिसपे हम लोग समरी भी बनाएंगे और जो क्वेश्चन और आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास में रैंडमली उसी में हम लोग क्लास वर्क के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और होमवर्क के भी आप उसी नोटबुक में सॉल्व करोगे, तो एक ही जगह पे हमें सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। और स्टिक नोट्स तो है बस, और आज आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक्स मिल जाएगी, तो ऑफिस विल ओपन एट अराउंड 10 o'clock, तो या तो मेरी क्लास खत्म होने के बाद या तो लंच ब्रेक में जैसे आपको समय मिले यू कैन जस्ट गो इन द ऑफिस एंड यू ऑल कैन कलेक्ट योर वॉल्यूम, ओके, ठीक है। हाँ क्या हुआ, स्कैन आईडी नहीं मिला क्या अभी तक? ठीक है कोई बात नहीं, 2-3 दिन तो अभी ये वीकेंड तक आपको अगर नोट्स नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मैनेज, ठीक है। वो तो गुरुकुल के बच्चों को मिलता है ना, अच्छा तो वो आईडी मिलता है ना, तो वो आईडी में ही सब कुछ सेंट्रलाइज रहता है, उसी को स्कैन करके फिर नहीं मिला है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, नहीं नहीं देखते, चलो मैम बात कर रहे थे, हो जाएगा शायद से। फिजिकल रिसीट नहीं मिली क्या आपको? ठीक है देखते करते हैं कुछ मैनेज, अभी वीकेंड तक तो कुछ टेंशन नहीं है, वीकेंड तक तो हम ऐसा ही पढ़ाएंगे कि आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम मंडे यू ऑल विल रिक्वायर द बुक्स, अभी तो वैसे भी सब कुछ इंट्रोडक्शन ही चालू है, एक्चुअल जिंदगी तो अभी हमारी शुरू होना बाकी है। कल तो सिर्फ डे वन था, इसलिए तो मैंने आपको पूछा डिड यू ऑल स्लीप वेल। फर्स्ट डे पे तो कोई भी बच्चा एकदम जोश जोश में उठता है, अपने आप ही नींद खुल जाती है, अलार्म की जरूरत नहीं होती। आप धीरे धीरे रुको ना, आप 10 मिनट का स्नूज, 15 मिनट का स्नूज, अरे भाई छोड़ दो यार, ठंडी का मौसम है, मस्त बारिश आ रही है, अच्छे गर्म कंबल है, जाओ भाड़ में। लाइव स्ट्रीमिंग का बैकअप है कर लेंगे धीरे धीरे करके, अभी तो मस्त नहा धो के आ रहे हो, 15 दिन बाद देख लेना क्या होता है, बस अच्छा भारी परफ्यूम एक्स परफ्यूम लगा के आ जाएगा, मुंह धो के आ जाएगा, हो गया बस क्लोज अप। बट वैसा एड में जैसा हो रहा है वैसा कुछ होने नहीं वाला है बेटा, ठीक है। ये सारा कुछ मो माया है बेटा, ठीक है। एक्स की एड में और क्लोजअप की एड में जो होता है वो बस मो माया है बेटा, उस रंगीन दुनिया में जाना मत, ऐसा रियल जिंदगी में नहीं होता है, ठीक है। बस यहां से एक यहां से ऐसा कुछ होने नहीं वाला, तो बेर मिनिमम चीजें करके आना बेटा, जितनी रिक्वायर्ड है, बस अपने आजू बाजू वालों का ख्याल रख लेना, ठीक है। मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप बेटा ख्याल रख लेना, ठीक है। चलो आ जाइए,
रुको रुको, अभी आपको हंसी आ रही ना, 15 दिन बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। कुछ बच्चे तो अभी अगले हफ्ते से मैं रात को नहा के सोता हूँ, तुम सुबह ना। ये देखो एक हफ्ते बाद की बात अभी से शुरू हो गया ना। रुक जाओ बेटा, अभी सब पता है, 11 साल से हूं मैं इस इंडस्ट्री में। सब पता है बेटा मेरे को। कुछ कान बंद रखा करो बेटा, एडवाइस भी उन्हीं लोगों के लिए जाती है जो केपेबल होता है एडवाइस देने के लिए। इस चीज को जेन्युइनली याद रखना, मैंने भले ही बहुत हंसी मजाक में कहा है, बट आप एडवाइस भी उन लोगों से लेनी चाहिए जो लोग खुद केपेबल होते हैं एडवाइस देने के लिए। वो बच्चा पास हुआ है क्या, उसने क्या झंडे गाड़ लिए है? हाँ बस फिर इज्जत मत दो। ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका नवंबर में अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए नहीं था वो, इन जनरल था। हाँ पर्सनली मत लेना। ओके ठीक है, ओके रेगुलेशंस, चलो आ जाओ। रेगुलेशंस, बायलॉज एंड ऑर्डिनेंसेस। रेगुलेशंस देखो, बहुत बार क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो बहुत टेक्निकल होती है, और पार्लियामेंट में एक्ट तो बन जाती है, बट अब उससे रिलेटेड जो कानून बनाना है, पार्लियामेंट को उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं रेगुलेशंस आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कितनी कंपनीज जो है लिस्टेड कंपनीज है, चलो आप लोग कुछ बता सकते हो लिस्टेड कंपनी के एग्जाम्पल्स? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, अडानी, इंफोसिस, L&T, यहां से कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है, ITC, ओके, सन फार्मा, ओके, HDFC, डीमार्ट, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज क्या है? लिस्टेड कंपनीज है। अब लिस्टेड कंपनीज, आप खुद बताओ, लिस्टेड कंपनी मतलब क्या पब्लिक के पैसों से खेल रही है? अरे खेल रही है, नहीं खेल रही है। आप समझो SPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें सर ने और मैंने पैसा डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कंपनी को हम चाहे बढ़ाए या चाहे घटाए, क्या आपको इससे कुछ लेना देना है? क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपका कोई स्टेक नहीं है। पैसा है भी तो सर का है और मेरा है, इस पैसे को चाहे हम बढ़ाए या चाहे हम घटाए, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। बट आप सोचो, से फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया है इन SPC लिमिटेड, कल जाके हमारी कंपनी लिमिटेड हो गई, ठीक है, और हमने पब्लिक इशू किया, 10 रुपए दो कंपनी के मेंबर बन जाओ, 10 रुपए दो और कंपनी के मेंबर बन जाओ। अब सब लोगों ने थोड़ा 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 पैसा जो है SPC लिमिटेड को दिया है। SPC कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? पब्लिक है, इसलिए तो पब्लिक इशू किया ना, अरे हाँ है ना। अब सब लोगों ने थोड़ा 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 पैसा जो है सबने मिलकर हम लोगों को दिया। अब आप बताओ मुझे, कल जाके हम ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं जो आपके अगेंस्ट है, क्या हमें आप लोगों को पहले पूछना पड़ेगा? पहली बार तो डिसीजन लेने के पहले, और अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया जा रहा है जो आपके हित में नहीं है, विल यू से नो टू दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन? क्या आपको फर्क पड़ेगा हम क्या डिसीजन ले रहे हैं? क्योंकि अगर पैसा बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, और पैसा डूबेगा तो आप लोगों का डूबेगा। तो अब आप खुद बताओ, अगर आप भारत सरकार हो, आप ज्यादा रेगुलेशंस किसके ऊपर लगाओगे, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? और उसमें ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अपने सिक्योरिटीज को क्या किया है, लिस्ट किया है, क्योंकि जनता की इमोशन से हम नहीं खेलना चाहते। आम जनता हमारे लिए सब कुछ है, भगवान है हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए आम जनता भगवान है, उसके इमोशंस पे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस कैसी कंपनी पे होता है, प्राइवेट कंपनी पे या ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है? पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपैरिजन में तो ज्यादा है, बट उसमें भी हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो आपको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना पड़ता है, प्लस आपको फॉलो करना पड़ता है SEBI। क्या फॉलो करना पड़ता है? अब देखो पार्लियामेंट में SEBI एक्ट तो आ गया,
बट पार्लियामेंट के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ये टेक्निकल चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. तो अब अगर हमें टेक्निकल चीजों के बारे में पता नहीं है, एक काम करो ना, आप ही खुद इससे रिलेटेड कानून बना लो. हम पार्लियामेंट में सेबी एक्ट पास कर लेंगे, हम पार्लियामेंट में सेबी एक्ट को पास कर लेंगे, बट हम लोग ये टेक्निकल चीजें जानते नहीं है, हमारा नॉलेज थोड़ा सा है इस बारे में, तो हम लोग उतने एक्सपर्ट है भी नहीं कि इस बारे में चर्चा करें, कमेंट्स पास करें या इस कानून को बनाए. तो आप क्या करो, आप ही जो एक्सपर्ट लोग हो, इस टेक्निकल चीजों में आपकी एक्सपर्टीज है, ओके, दे हैव देयर एक्सपर्टीज नॉलेज. पार्लियामेंट के लोग कहते हैं दिस इज नॉट आर एक्सपर्टीज, आई एम आउट. जानते आप नमिता थापड़ को, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज, आई एम आउट. ओके, यस, शी इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड इवन अमन गुप्ता बोट जिसका है, इवन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो यू रियली हैव गुड पीपल टू लुक अप टू, राइट? तो देखो यहां पे अब सेबी बना है और सेबी के ही जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी से रिलेटेड कानून बना रहा है. कौन सी कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है, मिनिमम एप्लीकेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन कितने दिनों में कंपनी को मिलना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन अगर नहीं मिला कितने दिनों में रिफंड करना चाहिए, ये सारी टेक्निकल चीजें जो है सेबी ने खुद ने बनाई है. इसी को कहते हैं रेगुलेशंस. क्या कहते हैं इसको? तो रेगुलेशंस जो है पार्लियामेंट नहीं बनाता है, बट रेगुलेशंस जो है रेगुलेटरी बॉडी बनाता है. फॉरगेट अबाउट सेबी, अपना खुद का ICAI इज अ रेगुलेटरी बॉडी. ICAI एक्ट तो बन गया, ICAI एक्ट तो बन गया, बट पार्लियामेंट के लोग कहते हैं सीए और सीए की जर्नी के बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं. यहां के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि यहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे और कैसे कंडक्ट किया जाएगा ये पूरी बॉडी के अफेयर्स. तो ये ICAI जो लॉज बनाता है उसी को कहते हैं एज रेगुलेशंस. ICAI एक्ट भले ही पार्लियामेंट में पास हो गया, बट रेगुलेटरी बॉडी ये जो है उसी के लॉज बनाता है, उसी को कहते हैं एज रेगुलेशंस. एग्जाम साल में एक बार होगी या दो बार होगी, 8 पेपर हो गए या 6 पेपर हो गए, 6 पेपर में MCQs हो गए या नहीं हो गए, MCQs में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये पार्लियामेंट के लोग कमेंट नहीं कर सकते. तो ये जो है रेगुलेशंस, ये लॉज जो बना रहे हैं इन दैट रेगुलेटरी बॉडी, उसी को क्या कहते हैं? रेगुलेशंस. बट अब आप खुद बताओ, ICAI को भी चलने के लिए या गवर्न करने के लिए क्या इन लोगों को आपस में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है? अरे होती है नहीं. तो अपना जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, ये लोग भी जब आपस में काम करते इनके बीच में भी तो कुछ नॉर्म्स होना जरूरी है. कुछ देखो, एक सिंपल क्लास है, बट ये क्लास में भी रूल्स है या नहीं है? कल जाके अगर कोई रूल्स नहीं रखे तो भाई मस्ती मस्ती होगी, सिलेबस तो छोड़ दो. अरे हाँ, है ना, हर बच्चा मोबाइल यूज करेगा, बातें करोगे, चिट चैटिंग करोगे, ध्यान नहीं दोगे, जो मन में आया करेंगे, जब जाना है बाहर बाहर जाओगे, जब आना है तब आओगे. बट बताओ मुझे, ये छोटी सी क्लास है, आप सोचो इतने बड़े देश में इतनी सी क्लास है यार देश के कंपैरिजन में, बट फिर भी नॉर्म्स है या नहीं है? ICAI तो पूरे देश को चला रहा है, कितने सारे सीएस है और कितने सारे तो सीएस स्टूडेंट्स है, इंटर में, फाउंडेशन में, फाइनल में, डायरेक्ट एंट्री रूट से, इन सभी लोगों को गवर्न करना जरूरी है. तो इन लोगों के बीच में इनका आपस का जो मैनेजमेंट है, इनके आपस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं उसी को कहते हैं बायलॉज. क्या कहते हैं? बायलॉज. एंड लास्टली इज ऑर्डिनेंसेस. कोई है जो ऑर्डिनेंस के बारे में जानता है, बोलना चाहेगा? ओनली द बॉयज आर आंसरिंग इन दिस क्लास. What happened to the girls? डर रहे हो क्या आप लोग? मैं माइक देना ना हेमंत, इस लड़की को मैं मौका देना चाहूंगी, फिर मैं आती हूँ आपके पास. आर यू ऑल स्केयर्ड? डरो मत, मैं चिल्लाओगे नहीं. बेटा इधर हेमंत. हेलो. अच्छा इधर पहले उसको दे दो, फिर उधर जाइए. बेटा ऑर्डिनेंस क्या होता है? उधर देखो मत. अच्छा ठीक है. बोल. हाँ, अर्जेंसी आई कुछ तो प्रेसिडेंट जो इमीडिएटली जो पास करते हैं. क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां. बेटा क्या नाम है आपका? धनवी. कहाँ से आप? यवतमाल. यवतमाल से. चलो एक बार जोरदार तालियां धनवी के लिए यवतमाल से.
वो कह रही है तन्वी, अच्छा तन्वी के लिए जोरदार तालियां। वो कह रही है मैम कभी कभार कानून पास करने की अर्जेंसी आ जाती है, तो ये जो अर्जेंसी के वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट से डायरेक्टली कंसेंट ले लेते हैं और फिर कानून को पास करते हैं, तो ये जो कानून है उसी को कहते हैं एज एन ऑर्डिनेंस। बेटा आपका कुछ कहना है? सेम है। यहाँ पे कोई लड़का था जिसने हैंड रेस किया था? हाँ बोलिए बेटा। तो मैम जैसे ये अर्जेंसीज कभी भी आ सकती हैं, हाँ। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया होता है कि मतलब वो कुछ टेम्पररी लॉज बना सकते हैं। क्या बात है, टेम्पररी पीरियड के लिए। और ऐसा कभी भी कभी कभी होता है जैसे लोकसभा या राज्यसभा इन मतलब हाउसेस होते नहीं अवेलेबल, तो उस टाइम पे भी ये लॉज बनाए जाते हैं फॉर दैट शॉर्ट पीरियड। क्या बात है, क्या नाम है बेटा आपका? किशुंक। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए यार, पूरा आंसर क्या उंदे तरीके से आपने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला है इससे, सुनो मेरी बात, कभी कभार ऐसा होता है कि देश में अर्जेंसी आ जाती है कानून बनाने की, जैसे कि आप लोग जानते हो वो ताज का टेरर अटैक, ठीक है, उस समय पे अगर हमें टेररिस्ट से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड कानून बनाना है, हम ये नहीं देखेंगे कि बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में है या नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट के रूट से जाएंगे सालों साल लग जाएंगे ये कानून बनते बनते, और फिर ये जो लोग है जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया है बस निकल जाएंगे क्योंकि कानून ही नहीं है उनके अगेंस्ट। तो ऐसे अर्जेंसी में हम क्या करते, देखो एक्ट अगर बनना होता है तो तीन फेज होता है, कल ही देखा है, ड्राफ्ट, फिर पार्लियामेंट और फिर प्रेसिडेंट। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्राफ्ट बनाएंगे एंड वी विल गो टू द प्रेसिडेंट, अर्जेंसी को देखते हुए। प्रेसिडेंट तो इतना टाइम लेगा नहीं, उनको खुद को अपना ओपिनियन बनाना है और हाँ या ना कहना है, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं एक बार सभी बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। इसको हम एक्ट नहीं कह सकते। एक्ट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक स्टेप नंबर टू नहीं हुआ है, इसको इसलिए हम लोग लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। बट देखो आज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अर्जेंसी थी कानून बनाने के लिए इसलिए हमने डायरेक्टली ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट के पास ला लिया, इस समय पे हम उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। बट जैसे ही बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विल कम इन टू सेशन, हम लोग क्या करेंगे, वी विल ले दिस ऑर्डिनेंस इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और 6 हफ्तों के अंदर वी विल गेट इट पास्ड, देन इट इज कॉल्ड एज एन एक्ट। कब से 6 हफ्तों के अंदर, जब से बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कम इन टू सेशन। कभी कोई सेशन का ब्रेक रहता है, कभी कोई सेशन का ब्रेक रहता है, कभी विंटर ब्रेक, कभी समर ब्रेक, कभी मॉनसून ब्रेक, कभी बेंचेस ही ब्रेक। आपको पता है क्या क्या, अभी कुछ ही दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा फ्लाइंग किसका, सुना है आप लोगों ने? तो बताओ मैम, राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस दिया था, कुछ नहीं पता आप लोगों को? होगा, स्मृति ईरानी ने काफी कुछ बोला भी है उनके बारे में। कभी कभी हमारे राहुल जी आ जाएंगे, मोदी जी को हक करके किस भी कर लेंगे, कभी फ्लाइंग किस भी दे देंगे, मतलब ड्रामा ड्रामा ड्रामा। क्या ही बताया अभी आपको। तो यस, तो अर्जेंसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को करते हैं पास, और जैसे ही बोथ द सेशंस कम इनटू एनफोर्समेंट, ओके, तो अब हम 6 हफ्तों के अंदर हम इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को पास करा देते हैं एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट। तो ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ लॉ, जितनी इज्जत एक्ट को है उतनी इज्जत ऑर्डिनेंस को भी है, हाँ या ना? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है। इसके बाद हम इन बेसिक चीजों के बारे में कभी भी जिंदगी में बात नहीं करने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, ये मैंने बता दिया है। क्या ये सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं? नहीं। बट क्या आपको आर्टिकलशिप में पूछे जा सकते हैं? जी हाँ। क्या इंटरव्यू के लिए पूछे जा सकते हैं? जी हाँ। क्या प्रैक्टिकली ये रेलिवेंट है? जी हाँ। ओके, एज अ सीए ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सीए फाइनल लॉ में, अगर आप चाहो तो लॉ एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल की तरह इंट्रोड्यूस हुआ है, ओके, तो अगर आपने लॉ को ऑप्ट किया है तो उसमें आपको सेबी जरूर है, और सेबी इज नथिंग बट इसमें आपको रेगुलेशंस और बायलॉज ही नजर आने वाले हैं। तो कल जाके अगर आपको लॉ में प्रैक्टिस करनी है या आपके क्लाइंट्स है जो लिस्टेड कंपनीज है, तो ऐसे केस में आपको सेबी के बारे में तो पता होना जरूरी है। तो सेबी भी लॉ का हिस्सा ही है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स, बट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस
एंड बायलॉस. तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारा खुद का इंस्टीट्यूट यार, कम ऑन गाइज. यस नो गाइज, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी. आज तक आपने सिर्फ सुना होगा आईसीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, बट क्या है ये रेगुलेटरी बॉडी, आज आपने एक्चुअली समझा है. एक काम करो, आपके नोटबुक्स निकालोगे आप? हाँ बोलिए बेटा, एक मिनट आती हूँ मैं उधर. सुनो ना, इसका शायद से 5 सेकेंड्स के अंदर इसका टाइमर बंद हो जा रहा है, तो एक काम करो ना, इधर रुक जाओ ना आप, मैं उधर जाती हूँ उस बच्चे को, कुछ तो डाउट है. इसको से वैसे मूव करते रहना. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई विश, एक्चुअली नॉट विश, आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. आपकी ईमानदारी बेटा आपके साथ है. तो आप लोग क्या करोगे, देखो बार बार ये स्क्रीन बंद हो जा रही है. इसके टाइमर कैसे ऑफ करते, किसी को पता है क्या? भाई ठीक है, क्लास के बाद ही बता देना मुझे, ठीक है, जिसको आता है. ये ऑटो स्लीप में चले जा रहा है बार बार, हर 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में. इसको सिर्फ ऐसे मूव कर लेना या तो कुछ लिख लेना ऐसे ऐसे, तो कुछ नहीं होगा इसको. अरे जल्दी जल्दी, 2 मिनट का समय मैंने दिया. चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन गाइस. आप ये लिखो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लॉ. लॉ में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है. लॉ काफी ब्रॉड है, एक्ट भी है, रूल्स भी है, केस लॉज भी है, रेगुलेशंस भी है, बायलॉज भी है, ऑर्डिनेंसेस भी है. देखो, एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. और एक्ट में जहां कहीं पे भी लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स. वेरी गुड, लिख लिया.
देखो ऑर्डिनेंस तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, ठीक है। एक्ट कब बनेगा ऑर्डिनेंस? जब पार्लियामेंट में वो पास होगा। देखो एक्ट बनने के लिए तीन चीजें होना जरूरी है, कौन सी तीन चीजें? ड्राफ्ट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट का कंसेंट। यहां पे पार्लियामेंट का हमें नहीं मिला था कंसेंट, इसलिए हम लोग उसको एक्ट नहीं कहते, हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। तो देखो ऐसा मैं आपको कहती हूं, प्रैक्टिकली हुआ था। एक बार एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 एज एन ऑर्डिनेंस। 6 हफ्ते हो गए फिर भी पार्लियामेंट का कुछ कंसेंट मिला नहीं। अब 6 हफ्ते का तो समय खत्म हो गया, तो अब वो ऑर्डिनेंस जो आया था वो तो ऑब्सोलीट हो गया, तो इसीलिए हमने सेम का सेम ऑर्डिनेंस वापस से बना दिया 2019 बोल के, सेम का सेम, सिर्फ हेडिंग चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया। अब वो 2019 ऑर्डिनेंस बन गया, ड्राफ्ट तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी था, 2018 के बदले 2019 हमने कर दिया। और उसके बाद हम लोग वापस से प्रेसिडेंट के पास गए और प्रेसिडेंट का कंसेंट लिया और वो 2019 ऑर्डिनेंस हो गया। और फिर 6 हफ्तों के अंदर इट गॉट पास्ड एंड इट बिकेम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो प्रैक्टिकली ऐसा सब होता है। कंपनीज एक्ट 2013 इज स्टिल एन इमेच्योर एक्ट, वो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसी नहीं है ना, इतने साल पुराने, तो अभी भी अमेंडमेंट्स आ ही रहे हैं। अगर आप देखोगे एवरी ईयर अगर अमेंडमेंट्स नहीं तो रूल्स में चेंज हो रहा है, जैसे कि स्मॉल कंपनी कुछ समय पहले ही स्मॉल कंपनी की रूल्स में चेंज आया है, तो फिर इट्स स्टिल इमेच्योर, अभी तक वो मेच्योर हुई नहीं है, इसलिए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। आई ऑल डन राइटिंग। अरे जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम क्या डाल रहे हो आप इसमें? अरे चलो बायलॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, स्क्रीन को क्या करना है, शिफ्ट करना है क्या? अरे लिखा या नहीं लिखा? अरे झालं की नाही? मैं रीड करू क्या कुछ? ये कैसे हो गया ऐसे? ऐप पर लेक्चर नहीं चल रहे है क्या? अंकुर पूछ रहा है बेटा। अभी सैटरडे तक ऐप पे लेक्चर्स नहीं चलेंगे, आप लोग क्या करो, आप लोग यूट्यूब के ही लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। बायलॉज और रेगुलेशंस में क्या डिफरेंट होता है बेटा? बायलॉज में क्या होता है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है आपस में भी जो काम करती है उसको खुद को अपने लिए
रूल्स और रेगुलेशंस का होना जरूरी है, उसको कहते हैं बायलॉज। और जो कानून रेगुलेटरी बॉडी बनाता है, जैसे कि सेबी ने लिस्टेड कंपनी के लिए कानून बनाए है, इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेशंस। ठीक है अभिषेक कुमार? ओके, वर्चुअल बच्चों का लिखकर हो गया बेटा, आप लोगों का लिखकर हुआ है या नहीं? पक्का? सो ऑर्डिनेंसेस आर पास बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, बट सच ऑर्डिनेंसेस आर वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 weeks फ्रॉम द टाइम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट फंक्शनिंग। बायलॉज आर मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे ICAI, अरे हो कि नहीं, सेबी, टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। बस 5 मिनट में इसको खत्म कर रहे हैं और फिर हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल दुनिया में। बस ये बस हो गया, अभी ये आखिरी चीज है जो रिक्वायर्ड है। इंडिया में देयर इज अ 3-tier सिस्टम। वन, नहीं नहीं वैसा नहीं, नहीं नहीं सुनो ना, अरे एक मिनट एक मिनट, लॉ मेकिंग के प्रोसीजर में, लॉ मेकिंग, आई शुड क्लियर माई सेल्फ, यस, लॉ मेकिंग के प्रोसीजर में इंडिया में देयर इज अ 3-tier सिस्टम। वन, एक वो बॉडी होती है जो कानून को बनाती है, जो कानून को, एक वो बॉडी होती है जो कानून को एग्जीक्यूट करवाती है, और तीसरी बॉडी होती है जो क्या करती है, डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, और अगर कुछ इंटरप्रिटेशन के इश्यूज है तो उसी चीज को वो रिजॉल्व करती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेना चाहती हूं। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल, आप लोगों ने बताओ मुझे, चलो सच्ची सच्ची मम्मी कसम, फाउंडेशन के एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल्स बनाए थे? नहीं नहीं बनाए थे, इतना मुझे एकदम शिद्दत से और इज्जत से जवाब दो। चलो, कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाए थे? है क्या कोई टाइम टेबल आप लोगों के पास? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, कीप योर हैंड अप ओनली, रेज योर हैंड प्रॉपरली एकदम। आप सब लोगों ने टाइम टेबल बनाए थे? अच्छा, इसमें से नाउ कीप योर हैंड अप ओनली, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फॉलोड दीज टाइम टेबल्स? फॉलो किया था एकदम इज्जत से? किसका कंट्रोल था? किसी का नहीं। अच्छा, एंड व्हाट हैपेंड अबाउट अदर्स? जिदम शिद्दत से हैंड रेज किया था, हाँ मैम हमने टाइम टेबल बनाया था, क्या हो गया? फर्स्ट डे किया, और उसके बाद क्या हुआ बेटा? हर हफ्ते मंडे आया और सोचा ये टाइम टेबल तो मैं मंडे से ही फॉलो करूंगा। कौन सा मंडे वो हमें खुद को नहीं पता। अरे हुआ या नहीं? वैसे ही आप सुनो, सुनो मेरी बात, लॉ मेकर्स कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में कितने ही कानून बन जाते हैं, बट अब इससे भी बड़ा चैलेंज है, इस कानून को फॉलो कोई नहीं करता है। तो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके मैम, चेक मीटिंग स्टार्टेड है? मीटिंग नहीं, तो सुनो मेरी बात, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बन गया, आप मुझे बताओ सिर्फ एक्ट बना है, ओके, देयर इज नोबडी हु इज चेकिंग क्या आप एक्ट को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप उसको फॉलो करोगे? करोगे क्या? बट आज के जमाने में लोग इनकम टैक्स एक्ट को क्यों फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है? देखो ऐसे, हमको इनकम टैक्स एक्ट से डर नहीं लगता है साहब, डिपार्टमेंट से डर लगता है, सही है गलत? तो हमने देखा है ना रेड के केसेस, क्या बैंड बजती है, लोगों के क्या हाल होते हैं अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया टैक्स नहीं दिया तो, ये डर के मारे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। सो देयर इज समवन हु इज कीपिंग अ चेक, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। देखो ऐसे तो ट्रैफिक से रिलेटेड कितने ही लॉज बने, मोटर व्हीकल एक्ट बना है बट क्या होता है आपको पता है, जब हम सुबह क्लास में ही आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आप बीती होगी मोपेड पे आए, ऐसे तो मोटर व्हीकल एक्ट ने कहा है, रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब गो स्लो, ग्रीन मतलब गो, बट अब प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑल थ्री कलर्स मीन्स गो, ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स गो फास्टर, रेड मीन्स मामू नहीं है गो और फास्टर, ऐसा ही होता है ना।
मतलब मामू अगर है इज्जत से है, हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकंड पहले ही रोक लेंगे गाड़ी को। मतलब यहाँ पे कानून को फॉलो करवाने के लिए, क्योंकि कोई लोग है उस डर से हम क्या कर रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट बना से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंडियंस है हम लोग, हमारे खून में हो, हम लोग जानते हैं कानून को बनाए गए। ये मैंने नहीं कहा है ये मैंने नहीं कहा है, ठीक है। तो वो बात है, बनाने के साथ साथ कानून को फॉलो करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई दो वी अग्री कि पार्लियामेंट ने कानून को बनाया है, बट इसको अप्लाई करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इसी का एप्लीकेशन करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट बन गया है, इनकम टैक्स एक्ट कहां बना है, पार्लियामेंट में, बट इसी इनकम टैक्स एक्ट को अप्लाई करने के लिए हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया है। वैसे ही हमने पार्लियामेंट में कंपनीज एक्ट बना दिया है, बट अब कंपनीज एक्ट को लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं, उसके लिए हमने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो अगर आपने कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट को, कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं किया ना, मस्त लेटर आ जाएगा आपके घर पे एमसीए का, आएगा या नहीं आएगा। वैसे ही और एक रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज द जुडिशियल बॉडी। ये जुडिशियल बॉडी क्या करता है, कल जाके अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, दो मेंबर के बीच में, दो कंपनी के बीच में झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, कुछ इश्यूज हुए, तो कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। तो ये जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ, कंपनी से रिलेटेड अगर मुझे कहना हो तो वी हैव द एनसीएलटी। एनसीएलटी का क्या फुल फॉर्म है, कल आपने बताया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कल जाके कानून तो सभी के लिए एक है, बट अगर कोई इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है, तो कौन सही कौन गलत, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए होती है द जुडिशियल बॉडी, जो इंटरप्रिट करती है इसी बनाए गए कानून को, एंड फाइनली एक डिसीजन देती है विच विल बी अबाइडिंग ऑन ऑल द पब्लिक एट लार्ज। यस नो गाइस, तो यही है हमारा 3-tier सिस्टम। फटाफट 1 मिनट में आप लिख लो, एंड देन वी आर मूविंग ऑन to the first chapter of the Companies Act. अच्छा, लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाता है, सुनो ना मेरी बात, अब कौन कौन लॉ बनाता है बता मुझे, एक तो पार्लियामेंट, लॉ का हिस्सा क्या रेगुलेशंस भी होता है, अभी तो देखा ना, तो रेगुलेशंस कौन बनाता है, रेगुलेटरी बॉडी। तो क्या रेगुलेटरी बॉडी भी लॉ मेकर में ही आएगा, ऑर्डिनेंस भी क्या लॉ का हिस्सा है, ऑर्डिनेंस को कौन बनाता है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी क्या लॉ मेकर में ही आएगा। तो इससे देखो नीचे मैंने एकदम इज्जत से एग्जांपल, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, रेगुलेटरी बॉडी लिखा है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी कानून को अप्लाई करती है एंड इट मेक्स इट श्योर कि कानून को फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में इट इज द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। आप लोगों ने कभी एमसीए की वेबसाइट देखी है क्या, बताती हूं आज मैं, या तो फिर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या तो हमारा मामू, दे आर मेकिंग इट श्योर दैट यू आर अप्लाइंग द लॉज दैट आर मेड इन इंडिया। एंड लास्टली इज द जुडिशियल बॉडी। कल जाके दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो गए, मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए, डिपॉजिटर्स और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो गए, तो दे शुड गो समवेयर ना टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। किसके पास जाएंगे, द जुडिशियल बॉडी, किसके पास जाएंगे, तो ये जुडिशियल बॉडी कानून को इंटरप्रेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर वी हैव द एनसीएलटी, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, डन, जल्दी जल्दी। मृदुल अरोरा, एप्लीकेशन में लेक्चर्स नेक्स्ट वीक से शुरू हो गए है ना, ओके, वर्चुअल स्टूडेंट्स आर डन विद द राइटिंग पार्ट, बेटा आपका हो गया, वेरी गुड, चल, शुड आई जस्ट क्लोज द स्क्रीन,
कौन जैसे कि हाँ यस लिख सकते हो. वो कह रहा है मैम लॉ का हिस्सा रूल्स भी तो होते हैं. रूल्स तो कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट. अरे हाँ है ना. तो क्या हम उसको भी लिख सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में? यस वेरी गुड. चलो अच्छा एक बात बताओ मुझे, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या ओनरशिप और मैनेजमेंट में फर्क होता है? Yeah. कौन ओनर्स होते हैं? Yeah. और मैनेज कौन करता है? Yeah. साल भर कंपनी में क्या हुआ है क्या इस बारे में हमें पता होता है? Yeah. मतलब आप ओनर है फिर भी हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है. उसी के लिए क्या कंपनी में मीटिंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है? Yeah. क्योंकि आप सोचो, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू ऑल इन्वेस्ट इन शेयर्स? देखो आपने किस में इन्वेस्ट किया बेटा? HDFC बैंक में किया है. आपने बेटा? टाटा पावर में. और ओके और कौन थे यहाँ पे? बहुत सारे. अच्छा बहुत सारे. आपने भी बहुत सारे. ओके तो आपने बेटा एक आधे दो नाम बोल सकते हो? विप्रो एंड HDFC HCL. अब देखो ये सारे लोग हैं जिन्होंने, हाँ बेटा आप बोल दो. ओके ITC जो यूज करते उसमें इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना. तो अब देखो ये सारे लोग हैं जिन्होंने, बड़ा ही रंगीन इंसान है, एकदम हवाई टाइप कपड़े भी पहन के आया है मस्त. ITC का आटा यूज करता है ना, और क्लासमेट की नोटबुक्स यूज करता है. आ गया तू उसके डिफेंस में. ओके तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे आप सब लोगों ने, इतने सारे लोगों ने आपने देखा है क्लास में कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है. बट आप बताओ बेटा ITC ने जो भी डिसीजन लिया है आज तक, क्या कभी आपको कॉल आया है? आना चाहिए बेटा, आपने इन्वेस्ट किया है उसमें. ऐसे कैसे? मेल किस बारे में? डिविडेंड के लिए. वो तो डिविडेंड के लिए आया है वो अलग बात है, बट डे टू डे एक्टिविटीज यहाँ पे की जा रही है बेटा. HDFC का कौन, किसने कहा था HDFC में इन्वेस्ट किया? बेटा HDFC से कभी आपको कॉल आया है कि अब हम ये करना चाहते हैं, अब हम वो करना चाहते हैं, हमने ये डिसीजन लेना का सोच रहे हैं, बेटा आ जाओ आप हेडक्वार्टर्स में? नहीं आया आपको? आप ओनर हो फिर भी कॉल नहीं आया आपको? कोई इज्जत नहीं है बेटा आपकी. आप बताओ ये सब लोगों ने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बट ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करके ये लोग कौन बन गए हैं? क्या ये बने हैं कंपनी के ओनर्स या मैनेजर्स? ओनर्स. मतलब ओनर होने के बावजूद डे टू डे एक्टिविटीज में और मैनेजमेंट में इन लोगों का कोई भी अधिकार नहीं है. अगर अधिकार है मैनेज करने का, दिस अधिकार इज गिवन टू हुम? टू हुम? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास मैनेजमेंट का अधिकार होता है, और ये मैनेजमेंट का अधिकार हम लोग शेयर होल्डर्स को नहीं देते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. बट ये बच्चा सोच रहा है मैम ने तो बोल दिया इज्जत नहीं है मेरी, बट पैसा तो है मेरा. अरे पैसा इसका है, इसका है, आम जनता का करोड़ों में पैसा है. एटलीस्ट अगर डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो साल भर में कंपनी में हुआ क्या है इस बारे में तो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आखिरकार हम लोग मालिक है, हम नहीं तो कुछ नहीं है. तो इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग्स केम इनटू पिक्चर. देखो वही कानून में क्या लिखा है हम लोग देखने वाले हैं, बट व्हाई दिस एक्ट केम एंड व्हाई दिस प्रोविजंस केम इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग यू ऑल दिस. कि ये जो शेयर होल्डर्स है ये लोग कंपनी के मालिक है, और साल भर कंपनी में हुआ क्या है ये जानना इनका अधिकार है. और इसलिए एवरी ईयर हमारे डायरेक्टर्स मेंबर्स को बुलाते हैं, एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, और इसी मीटिंग को कहते हैं एज एन एनुअल जनरल मीटिंग. और इसी मीटिंग का बेटा क्या आपको मेल आया है जो आप कह रहे थे? आया है नहीं आया है? क्या आपको HDFC से कभी मेल आया है?
और यहाँ पे किसी ने क्या कहा था, इंफोसिस में आप अगर शेयर होल्डर हो, क्या उसकी वर्चुअल मीटिंग का कभी आपको मेल आया है या नहीं आया है? या आया ही होगा, और आना कंपलसरी है, क्योंकि सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है हर मेंबर को मीटिंग डिस्पैच, मीटिंग की नोटिस डिस्पैच करना कंपलसरी होता है, और हर मेंबर अगर चाहे मीटिंग अटेंड कर सकता है और अपनी जो बातें हैं वो पेश कर सकता है। सर आप कुछ कहना चाहोगे इसमें? जी सुनो, मेरा सर कट दिया तुमने। सर की जो हाइट है, हाँ ठीक कर ले उसको। Hey guys, very good morning. दोस्तों आज एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है मीटिंग। और मीटिंग अगर बात हो रही है तो मैं भी कई कंपनीज का शेयर होल्डर हूं, तो मैं भी आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली मेरे साथ होती है। बीइंग द शेयर होल्डर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आई एम एंटाइटल्ड टू गेट द नोटिस। हर बार जब भी एजीएम होगा, यानी कि अच्छा एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होती होगी? नहीं नहीं चार बार तो होती होगी ना? नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार कंडक्ट कर लेंगे। उसके नाम में ही एनुअल लिखा हुआ। दोस्तों आज आपको मैं उन सारे तमाम कंपनीज के ईमेल बताऊंगा जिसके माध्यम से मुझे आती है नोटिस, जिसके द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया जाता है कि आई एम इनवाइटेड फॉर द जनरल मीटिंग। सर आप भी कुछ कंपनीज के शेयर होल्डर हो? हाँ जी मैं हूं, मैं कुछ थोड़ा बहुत शेयर्स लेता हूं तो उसके मैं कुछ 2-4 हजार के शेयर्स मेरे पास है तो मैं चाहूंगा 2-4 हजार के जो शेयर्स मेरे पास में है 2-4 हजार शेयर्स है सर के पास, एमआरएफ जैसी कंपनी है। आपको बताया क्या? एक मिनट कुछ मत दिखा। नहीं नहीं दिखा रहा कुछ। Please don't touch my personal laptop. I want my personal space. बस धोखा हो गया। अभी बेवफाई के गाने आपके साथ साथ मैं भी सुनने वाले हो। अब मैं भी उधर आ रही हूँ। दोस्तों मैं आज आपको इस क्लास में कुछ ऐसी नोटिसेस दिखाऊंगा जिसके वजह से आपको ये समझ जाएगा जो सेक्शन में लिखा होता है। मैम कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 101। 101 कहता है कि जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं दे शुड बी इन्फॉर्म्ड कि कब कब मीटिंग होने वाली है। तो मैं जैसे सिर्फ यहां पे एजीएम लिखता हूं, AGM, यहां पे जब मैं एजीएम लिखता हूं मैं लिख रहा हूं AGM। तो जैसे मैं एजीएम लिखता हूं तो कई कंपनीज के एजीएम की इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है आपके सामने, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बहुत सारी ऊपर भी यहाँ पे भी एक दिख रहा होगा आपको सिकरा कंपनी, एक देखो एक लॉरस लैब दिख रहा है। ये लॉरस लैब एक कंपनी है जो जैसे कि सन फार्मा कंपनी है वैसी एक लॉरस लैब कंपनी है। ये बहुत अपकमिंग कंपनी है, हाल ही में इसके शेयर प्राइस काफ़ी बढ़े हैं। लॉरस लैब नाम है इनका। इनकी मीटिंग अभी होने जा रही है, डेट है 14th हो चुकी है क्या? 14th of July 3 बजे इनकी मीटिंग हुआ कर रही थी। ओके अब देखते हैं लेटेस्ट कोई मीटिंग है जो इसमें हमें इन्फॉर्म किया है। सिकरा को देखते हैं, ये मीटिंग अभी कौन सी तारीख चल रही है? 17th ये मीटिंग में मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। मैम मैं चले जाऊँ यहाँ पे? ये मीटिंग कहाँ पे मैं देखता हूँ? ये है मीटिंग यहाँ पे, सिकरा पेंट्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ के शेयर्स मैंने परचेस किए हुए, देखते हैं इन्होंने अपने मीटिंग में क्या लिखा है, इसके इस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है एक बार चेक करें। ये मेरा नाम है जिसके नाम से नोटिस आई हुई है, और लिखा है सिकरा पेंट्स इंडिया लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट फॉर ईयर 22-23 एंड नोटिस फॉर द 18th एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 25 अगस्त 2023 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। ये बात समझने की कोशिश करिए, ये जो नोटिस आ रही है ना इसके पीछे एक लॉ है। ये वो है ये, अच्छा ये जो नोटिस आई है लॉ बनने के पहले की या लॉ बनने के बाद की है? सोच के बताओ, मतलब पहले लॉ बना होगा और लॉ मेकर ने लॉ में लिखा था सेक्शन नंबर 101 में कि आपके सारे शेयर होल्डर को आपने इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपकी मीटिंग कब होने वाली है और कितनी बजे और कौन से मोड में होने वाली है। यहां पे क्या लिखा, कौन से तारीख को?
25 अगस्त यहां पे लिखा है कौन से वाली 18th एनुअल जनरल मीटिंग कितने बजे होने वाली है 12:30 बजे और यहां पे उन्होंने लिखा है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड जब से कोविड आया लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में आते वैसे तो कुछ जमाने में ऐसी भी मीटिंग हुआ करती थी जहां पे मैं खुद रिलायंस की एजीएम में एक बार गया था मेरे पास कुछ 2-4 शेयर्स रिलायंस के थे सो आई वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड मैं इतना सीरियस बोलता हूँ भाजते थे उनको लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ जितनी औकात है उतने ही शेयर्स लूंगा ना भाई बार बार किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते 2-4 शेयर्स लिए थे ऐसा गरीब भगवान सभी को बनाया है आपसे बाद में बात करेंगे अभी मेरे पास आई एम राइट नाउ बिजी प्लीज तो मैं कह रहा था कि वंस आई वाज इनवाइटेड मैम सर एक बार मैं अपने मेरी कंपनी है जिसका नाम रिलायंस है एक मिनट आप ये जो सरकेस्टिकली जो हंसे हैं मेरी कंपनी तो किसकी है वो अरे मैं कौन है डोंट कॉल मी शेयरहोल्डर आई एम द ओनर शेयरहोल्डर बोला तो मुझे अजीब लगता है आई एम द ओनर हु एम आई एम द पार्ट ओनर ऑफ रिलायंस अगली बार कभी भी मुझे आप शेयरहोल्डर मत बोला ना बिकॉज मैं ओनर हूं और आप सभी जानते हैं शेयरहोल्डर्स आर द पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी तो ओनर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके उनके एजीएम में अटेंड करूं ताकि जानो समझो कि कंपनी में पिछले साल हुआ क्या क्या है वो ऐसे बड़े बड़े मीटिंग में मुझे बुलाया जाता है बिकॉज मैं कई कंपनी का ओनर हूँ मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 50 कंपनीज के शेयर्स हैं उन सारे कंपनी का ओनरशिप मेरे पास है बार बार टुकुर टुकुर मत देखे मैं सही कह रहा हूँ एक शेयर हो या 1,00,000 शेयर हो बंदा ओनर माना जाता है शेयरहोल्डर्स द ओनर्स नॉट रिक्वायर्ड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव 50% स्टेक उसकी जरूरत नहीं है आपके एक शेयर होने से भी आप किसी कंपनी का ओनर बन जाते हो और हमारे जैसे ओनर्स यानी कि हमारे जैसे शेयर होल्डर्स की इज्जत बचाने के वास्ते सेक्शन नंबर 101 को लाया गया इट इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स वेयर शेयर होल्डर शुड बी इन्फॉर्म्ड कि पिछले गत वर्ष में पिछले साल की कंपनी में क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी आपको एजीएम में दी जाएगी उसके एनुअल रिपोर्ट्स आपको भेजे जाते हैं मीटिंग का एजेंडा आपको भेजा जाता है यहां पे ये मीटिंग आप देख रहे हो इस मीटिंग के बारे में यहां पे कुछ सेक्शन नंबर 101 के बारे में लिखा है मैडम और यही सेक्शन है यही सेक्शन का वास्ता देखिए वो कह रहे हैं एज पर सेक्शन नंबर 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको हम ये नोटिस भेज रहे हैं जिसके द्वारा हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं ये आपको ये नोटिस सबको फिजिकल प्रिंट दे रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल में फील आए कि नोटिस क्या होती है यहाँ पे जो नोटिस मेरे सामने स्क्रीन पर है ये सिकरा की है और इसके पहले मैंने आपको लॉरस की ये दिखाई थी एक बार देख लीजिए ये सभी ये भी नोटिस मैं आपको प्रिंट करके दे रहा हूँ यहाँ पे ये नोटिस है जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है और हर कोई कंपनी का जहाँ पे मैं ओनर बन जाता हूँ मुझे हर कोई कंपनी की नोटिस मिलती है एजीएम की मेरा एक सवाल है मैडम एक बात बताओ कंपनी मेरी है तो मैंने मैनेज करना चाहिए ना तो व्हाई देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड माय क्वेश्चन इज टू यू ऑल व्हाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड देखो एसपीसी का मैं ओनर हूं तो मैं मैनेज कर रहा हूं खुद तो सर रिलायंस का भी मैं ओनर हूं तो सारे डिसीजन तो मैंने लेना चाहिए क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है एक मिनट माइक दीजिए मैडम बहुत अच्छा ये यहाँ पे होने वाला मैम जरा तब तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताइए मुझे रिलायंस के स्क्रीन के ऊपर मैं इनसे बात करूँ बेटा आप खड़े हो जाएंगे जरा कवरेज दो जरा इनके घर वाले भी देखने वाले हाँ जी पहले अपने बारे में बताएं कहाँ से आप सर मैं सनंदा बैंगलोर से बैंगलोर से वेलकम टू आवर शो
सर एक्चुअली अगर शेयर होल्डर्स डिसीशन लेने लगे तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स के होने की वजह से डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और मतलब एक ही चीज़ पे इतने सारे ओपिनियंस आ जाएंगे कि डिसीशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी और डिलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंट किया जाता है? इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जितने शेयर होल्डर्स रहते हैं उतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते नहीं, उनसे मतलब नंबर कम में ही रहता है तो डिसीजन लेने में इजी होता है। ओके तो इसलिए डिसीजंस भी हो जाते हैं। मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि शेयर होल्डर्स है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों? मतलब मैं तो ओनर हूं ना यार, तो मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा कंपनी को। Then why do I need board of directors? That's my expertise question. Expertise भी रहती है थोड़ी। हाँ जी। तो better understanding भी रहती है। Better understanding भी होती है। ये भी आपका बोलना है। Okay बेटा, इनके पास माइक दीजिए जो है। हाँ जी। Board of directors day to day life में मतलब day to day management में भाग लेते हैं। जी जी जी। लेते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों को पता रहता है कि कैसे मैनेज करना है आगे की चीजों को और कैसे करना है, बट शेयर होल्डर डेली नहीं मैनेज कर पाते ना, देख नहीं पाते कि क्या। मैं जाऊंगा ना एसपी से छोड़ के, मैं वही काम करूंगा बेटा। ठीक है आप आज नहीं, नहीं नहीं आप मुझे रोक नहीं सकते। आप जाइए। हाँ हम जाएंगे, हम रोज जाएंगे, मैं रोज बॉम्बे जाऊंगा। बट आप डेली क्या मुझे कोई रोक सकता? मुझे कोई नहीं, मैं ओनर है, मैं कंपनी में जाके बैठेगा, मैं अंधेरी में जाएगा, मैं वहां पे क्या बोलते हैं उनका नरीमन पॉइंट ऑफिस में वहां जाके बैठूंगा। नोबडी कैन स्टॉप मी। कैन आई गो देयर? आई कैन नॉट I can or I cannot? आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मैं वहां पे जा सकता नहीं जा सकता? कोई नहीं रोकेगा मुझे, मैं जाऊंगा वहां पे। अरे कैसे रोक सकते आप मुझे? अरे मैं जाएगा, मैं चिंटू कंपनी मेरी। अरे अरे रुको जरा, अच्छा नहीं बोलिए ना बोले। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं वहां पे जा ही सकता हूं, ये सब आवश्यक, आई मीन इट इज पॉसिबल, बट द पॉइंट इज क्या मैं सच में रोज जा पाऊंगा? शेयर होल्डर कंपनी के भारत के अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, क्या अपना काम धंधा छोड़ के वहां पे जाके बैठेंगे? अरे अपना जो है वही खत्म नहीं हो रहा जिंदगी में। यहां मुझे एसपीसी से फुर्सत नहीं मिल रही, आप बोले सर वो भी आपकी, आप भी उसके पास जाओ। अरे अपनी वाले को संभाले किसको संभाले? ऐसा नहीं है, रिलायंस कंपनी के हम ओनर है, जानते हैं। और कोई ओनर है यहाँ पे रिलायंस कंपनी? कुछ देखो खड़े हो जाए बेटा। अक्षत वापस आप, अक्षत आपके पास में क्या कभी वक्त मिल पाया कि आप वहां पे गए? नहीं गए, कभी नहीं जा पाए आप? आपका मन नहीं होता वहां जाने का? जरा माइक दीजिए तो। यहाँ पे हमारे बीच में वन मोर ओनर, वी बोथ आर द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी। ऑनर बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं सर। क्या आपको कभी टाइम नहीं मिला वहां जाने का? नहीं। आप क्या हम लोग चाहे तो जा सकते हैं वहां पे? I mean, सर हम लोग विजिट तो कर ही सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बट ऐसे अगर सभी लोग जाके, अगर आपने कल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखे थे, इतने सारे शेयर्स हैं, तो हम लोग को ये सब कुछ डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना, ये कंपनी से आपने कहा कि आप इतना अपने आप को डू नॉट यू नो ट्रबल यूर सेल्फ सो मच, एक काम करते हैं, आपको इतनी खुजली है ना और जान नहीं क्या चल रहा है, तब एक काम करो साल भर में एक बार आपको इज्जत से बुलाया जाएगा, आप आइए मेहमानों जैसे आइए, आपका वो हक है, आपका वो अधिकार है। सेक्शन नंबर 101 में आपको नोटिस भी देंगे, बिल्कुल शादी के पत्रिका होती से आइए जरूर, आपकी बिल्कुल खातिरदारी भी करेंगे, आपको शादी में जरूर जरूर आना है, ऐसा बोलते जरूर है। पर क्या आप आज तक कभी एजीएम में गए? नहीं सर। आपको कभी इच्छा नहीं हुई इस कंपनी में जाने की? हुई थी। फिर कैसे आपने अपने आप को रोका? आज तक सिर्फ मैं एक ही बार रिलायंस के एजीएम में जा, पिछले 10 से 12 साल से मैं रिलायंस का ओनर हूँ, बट इतने काम में व्यस्त होता हूँ, ऐसे मेरे जैसे लाखों शेयरहोल्डर्स होते हैं, दे आर सो बिजी, दे डोंट गेट इनफ टाइम टू गो टू द अटेंड। अरे वो एजीएम में नोटिस आना चाहिए, जैसे शादी में सबको पत्रिका देते हैं, पर आना नहीं आना तो उनकी अपनी मर्जी है ना, पर पत्रिका मिलना हमारा हक है। वो जाएंगे नहीं जाएंगे अपनी मर्जी, साला पत्रिका नहीं दिया हम तो रूठ जाए, साला पत्रिका भी नहीं दिया, इन्विटेशन कार्ड भी नहीं दिया। भाई ये इन्विटेशन कार्ड है, आई शुड बी एलिजिबल, आई एम एंटाइटल्ड टू गेट द यू नो इन्विटेशन। तो 101 में मुझे नोटिस मिलेगी, मुझे नोटिस मिलेगी, पर जाना नहीं जाना है मेरा हक है। क्या जाना कंपलसरी है? अरे हाँ यार जाना कंपलसरी क्या? आप नहीं गए, मैं नहीं गया कभी। एक मेरा प्रश्न आपसे है, आप मुझे बताओ आपके सामने स्क्रीन पर कौन दिखाई दे रहे?
मोटा भाई बेटा थोड़ा और अच्छा भी नाम है उनका। ये हमारे देश के सबसे ज्यादा एग्रेसिव चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस कंपनी मुकेश भाई अंबानी दोस्तों। और मैडम थोड़े से और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताइए, काफी अंकल भी है उसमें, जरा ऊपर लीजिए। आए हाय हाय, मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर होता ना वो अंकल देखो, अरे हाय रमेंद्र अंकल जी, गुड मॉर्निंग जी, जरा रमेंद्र अंकल को दिखाई। राइट में, सबसे राइट हैंड में देखो, अरे अंकल जी। और अरे आंटी बहुत गुस्से में लग रही भाई। अरुंधति भट्टाचार्य आंटी भी आपके साथ में है, चौधरी अंकल भी है, और ये कौन है भाई, अल हबीबी यासिर ओथमान, ये है अल हबीबी फ्रॉम गल्फ कंट्रीज आपके सामने। और बीच में राष्ट्र आपको केवी कामत भी दिख रही है। ये भारत के ऐसे सीनियर लोग हैं हैविंग एक्सपर्टीज नॉलेज, देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों से इनको चुन चुन कर लाया रिलायंस ने, यानी कि मैंने लाया, ये सारे लोग मैंने अपॉइंट किए। अब वापस बड़ा माइक देना, ये लड़की क्यों हंस रही मुझे समझ रहा है। बेटा आपको क्यों लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या आपको लग रहा नहीं मैंने इनको अपॉइंट किया? नहीं, सर आप टीचर, आपके औकात किसे निकाले, बट सच में मतलब तो वही है। पर दोस्तों ये सब गलत कह रहे हैं, मेरी औकात है और इन सारे लोगों को मैंने अपॉइंट किया और मेरे जैसे शेयरहोल्डर्स ने अपॉइंट किया। आपने हमारी हैसियत और औकात के ऊपर आज प्रश्न उठाया है। पर कंपनीज एक्ट में अंकिता मैम सुनेगा, सच बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर आप सभी लोग जान लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 में कि कोई भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो काम है वो कंपनी के शेयरहोल्डर्स को, दे अपॉइंट किसको, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो राइट है। 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी में जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर होना चाहिए, किसी को पता है? टू, प्राइवेट कंपनी विजय बैंक स्टूडेंट्स, कम ऑन, और ओपीसी में कम से कम 1, और पब्लिक कंपनी में कम से कम डायरेक्टर्स, बेटा डायरेक्टर्स 7, 7, क्या मैं सवाल की बात कर रहा हूँ क्या? 7 बोला, डायरेक्टर्स मिनिमम 3, कहाँ से आया 7? और ये अमेंडमेंट कब आया मुझे भी नहीं मालूम। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कम से कम 3 डायरेक्टर। वैसे मैम यहाँ पे गिनती करिए कितने डायरेक्टर है, 1, 4 हो गया, 7 हो गए, आगे जाने दो, 10 हो गए और 12 लोग, यहाँ पे कम से कम 3 का प्रावधान है। ये सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम एक कंपनी में 15 डायरेक्टर। 15 डायरेक्टर्स, हाउएवर कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर इफ कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशंस। सर पर इतने काफी होते हैं, मेरी औकात थी और इसीलिए मैंने इनको अपॉइंट किया है एजीएम में। मुझे एक अपॉर्चुनिटी एजीएम में हमें सारे शेयरहोल्डर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इनको अपॉइंट करें। ये सारे लोग मैंने अपॉइंट किए हैं और मेरे जैसे तमाम शेयरहोल्डर्स हैं। तो हम लोग कौन है एक्चुअली, सारे शेयरहोल्डर्स ये ओनर्स हैं, पर हम लोग रोजाना बेसिस पे वहां नहीं जा सकते हैं, इसलिए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए उसको ये बंद करके वो ठीक कर दे, चार्जर हटा दे, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला लिया कि हम अपने निजी काम में, जैसे अगर मैं एसपीसी में इतना बिजी हूँ तो मैं और कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे लोगों को अपॉइंट करता हूँ। फिर आप कहेंगे सर मीटिंग चैप्टर में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज एक मीटिंग होती है एजीएम तो दूसरी मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है। ये वो लोग हैं जो रोजाना बेसिस पे कंपनी में वही होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते बताया क्या? ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, यहां पे लगा हुआ है,
मेरे लैपटॉप का चार्जिंग निकाल दो और ये लगा दो। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ हितल मेस्वानी दिख रहे होंगे, दिख रहा है? He is called as executive. उसके बाद में निखिल मेस्वानी दिख रहे होंगे, he is also executive. उसके बाद में अंकल दिख रहे, प्रसाद अंकल, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। प्रसाद अंकल के सामने एग्जीक्यूटिव दिख रहा होगा, और उसके बाद में आपको कोई एग्जीक्यूटिव नहीं दिख रहा होगा, बराबर है? इंडिपेंडेंट दिख रहा होगा, सुन लो ध्यान से बता रहे। ये सारे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब होता है, दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। इनका काम ही होता है, ये कंपनी के पेरोल पर होते हैं, और ये कंपनी रोजाना बेसिस पर आके कंपनी का वो सारे अफेयर को लुक आफ्टर करते हैं। तो दोस्तों क्या होता ना, ये सारे लोगों को हमने अपॉइंट किया है ताकि ये कंपनी का काम संभाले, पर इनको भी मिलना जरूरी होता है। इसलिए ऐसे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मेस्वानी और ये प्रसाद जी तो रोज ही वहीं पे हैं, पर ये सारे लोग, सर ये बाकी लोग कौन से होते हैं? बाकी लोग वो होते हैं जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट कहा जाता है। सर ये जो अंकल है, ये आंटी जी जो है, ये आंटी करती क्या है? ये आंटी आके ज्ञान देती है, ज्ञान, और सिर्फ ज्ञान देती। सर ये चौधरी अंकल, ये भी ज्ञान देते। सर ये अंकल, ये तो बोमन ईरानी जैसा लग रहा है मुझे। ये आपके सुमित बैनर्जी जो अंकल है, ये आपको ज्ञान देते। यानी कि ये सारे एक्सपर्टीज लोग हैं, इनको कंपनी के मीटिंग में बुलाकर इनसे, बिकॉज ऑल दिस पीपल आर हैविंग एक्सपर्टीज नॉलेज, इनको बहुत एक्सपर्टीज नॉलेज है, इनको अपॉइंट किया जाता है स्पेशल नॉलेज देने के लिए। समझ के लो, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे कोई भी भरे नहीं है, इनके पास में कुछ एक विशेष एरिया का नॉलेज है, और ये सिर्फ मीटिंग से अटेंड करते, कंपनी में रोजाना बेसिस पर नहीं आते हैं। समझ के लो, तो बोर्ड मीटिंग में ये लोग आते हैं, क्योंकि आज हमारा चर्चा चल रही है मीटिंग्स क्या होती है। तो मीटिंग हमारे पास में अभी दो टाइप की है, एक तो मेरे जैसे शेयर होल्डर्स मीटिंग करते हैं, उसको एजीएम कहते हैं, अरे बोलो। और ये जो लोग जब साल में कम से कम, ये सारे लोग साल में चार बार कम से कम मिलते हैं, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कहते हैं। पर मुझे भी कहना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं ये मेस्वानी जैसे लोग और ये प्रसाद अंकल जैसे लोग। ये क्या कर रहे बताए क्या, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये तो कंपनी के डेट, ये सवेरे 10 से लेकर 7 तक ऑफिस में बैठे रहते हैं वहां पर रिलायंस के। कौन से? ये सारे लोग, ये मेस्वानी जी। पर ये जो बाकी लोग हैं ना, जितने भी दिख रहे हैं, इनके पास में विशेष एरिया का नॉलेज है। तो मुकेश जी बोलते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रहेंगे तो कुछ अच्छे सुझाव देंगे, हमारी कंपनी की प्रोग्रेस होगी। तो इसलिए मुझे भी एक बार उन्होंने बोला था कि आप भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाइए, क्योंकि उन्होंने बुद्धिजीवी लोगों को बोला था। तो आई वॉज लाइक, मैंने से बोला कि अभी मैं फिलहाल बिजी हूं यहाँ पे, तो आई कैन नॉट कम। बट आपको अचानक से बड़ी खांसी आ रही है, इस क्लास में उन्होंने पहले डायरेक्टली बोल दिया आपकी औकात नहीं, मैं आप कुछ बोल रहा था खांसी दे रहे, ये इंसल्ट हो रहा है मेरे क्लास में। इनको मेरा पोर्टफोलियो दिखा दे सर। ओके सर, आम बेइज्जती हो रही है। नहीं जाने दो अब क्या, कोई गरीब अपनी गरीबी ऐसे नहीं बता सकता। अच्छा सुनो ना, अभी मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और ये जो एजीएम है, आपसे मेरे मैम एक जरा वीडियो चला देंगे, जहाँ पे सारे जनरल मीटिंग के लोगों को मैं एक साथ देखना चाहूँगा। मैं आज आपको एक वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिस वीडियो में मैं एक्चुअल में वो जनरल मीटिंग दिखाऊँगा जहाँ पे आपको सारे शेयरहोल्डर्स बैठे हुए दिखेंगे। ऐसे ही सारे एजीएम के, देखो हम लोगों ने कभी एजीएम देखा नहीं अपने लाइफ में, हमने शादियां देखी, रिसेप्शन देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं, खा के चले जाते हैं। पर आज आपको मैं यहाँ पे, आज हमारे देश के सबसे बड़े नेता आपके बीच में, स्वागत नहीं करोगे? ताली बजा दो भाई। वैसे आपको शेयर होल्डर्स, मुकेश जी अंबानी इस समय देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उसकी वजह भी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का टोटल वैल्यूएशन कल आपने देखा लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास है, और इनका खुद का स्टेक जो है ना वहाँ पे, ये आराम से वहाँ पे जब मैं देखता हूँ, ये अभी 50% के आसपास मुकेश अंबानी का स्टेक इन रिलायंस,
इट इज 49, लगभग 50 मान लू मैं। और ये कंपनी का जो टोटल लायंस शेयर प्राइस अगर मैं देखता हूं, यहां पे 18 लाख करोड़ के आसपास, अगर इसका आधा मैं कर दूं तो 8.5-9 लाख करोड़ के आसपास हो जाता। तो ये अकेले ही 9 लाख करोड़ के मालिक है, समझ आ रहे हो? और मेरे जैसे गरीब लोग कुछ थोड़े बहुत शेयर्स ले रखे हैं। तो ऐसे लोग, इसीलिए ही इज द रिचेस्ट। आपको समझ नहीं आ रहा रिचेस्ट पर्सन हो जाता कैसे है? फिर कभी कभी रैंक में 2 भी चले जाते हैं, कभी रैंक में 8 भी चले जाते हैं। तो ऐसे क्या रोज कैसे इनकी कमाई बदल जाती है? ये नेटवर्थ यहाँ पे निकालने का तरीका होता है कि कंपनी की जितना मार्केट कैप होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं उनका स्टेक कितना है। अब जब कंपनी का बाजार थोड़ा सा कम अगर हो जाए, हाँ आज देखो इसका 9 रुपये से मार्केट प्राइस डाउन है, कल चके 2800 हो जाएंगे तो इनके पैसे और बढ़े हुए लगेंगे, अगर 2000 हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप वो सबसे कम हो जाएगा, ये अलग बात है। अब चलो मैं ऐसे ही एक AGM की बात करता हूँ जहां पे हर किसी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है, चेक करें। डियर शेयर होल्डर्स, इन द गोल्डन डिकेड ऑफ रिलायंस आई एम प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट इट वॉज येट अनदर ईयर ऑफ रोबस्ट एंड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। लास्ट ईयर Reliance became India's largest and most profitable company, both in the public and the private sectors. We are the only diversified, multi-sector Indian enterprise with 3 major growth engines in one single corporate entity. Our oil to chemicals division, Jio, and retail. All 3 have done exceedingly well in the past year. ये ज्ञान किसको दे रहे हो? Past year. क्यों? Because आप सारे अगर shareholders हैं, आप तो साल भर में आए नहीं थे, आपने इनको चुन के दिया था। आप इनका कर्तव्य है कि वो सब shareholders को बताए कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या कुछ काम किया, कितना अच्छा काम किया, बिकॉज यू आर द ओनर। और जो भी कंपनी का प्रॉफिट है आप सब में बटने वाला है, और इन जैसे सारे लोगों को सारे शेयर होल्डर्स ने तो अपॉइंट किया हुआ है, वो बात और है, हमारे पास डे टू डे ऑपरेशन में जाने का टाइम नहीं है, पर कंपनी हमारी जो मैनेज ये कर रहे हैं, दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड द मैनेजर्स, मैनेजर्स यानी कि मैनेज कर रहे हैं वो, उनके डायरेक्टर्स, बिकॉज उनकी डायरेक्शन में कंपनी चल रही है। पर इनका अपॉइंटमेंट, इनका रिमूवल भी हमारे हाथ में है। आई रिपीट अगेन, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट अगर AGM में शेयर होल्डर कर सकता है ना, तो रिमूव भी शेयर होल्डर कर सकता है। कोई भी डायरेक्टर, कंपनी एक्ट में लिखा है, नो डायरेक्टर इन द कंपनी कैन बी अपॉइंटेड विदाउट द असेंट ऑफ शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करता है एनुअल जनरल मीटिंग में, इसीलिए आप जैसे लोगों को नोटिस दी जाती कि आओ और मीटिंग में ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो, समझ आ रहा है? फिर डायरेक्टर क्या करते हैं, आपने पिछले साल हमें अपॉइंट करके दिया था, बहुत अच्छा लगा, हमने ऐसे ऐसे काम किया, देखो ना कितना प्रॉफिट कमाया, लाइक दैट। देखिए, वी आर ऑल्सो इनक्यूबेटिंग न्यू ग्रोथ इंजिन्स विद इन रिलायंस। स्केप्टिक्स यूज्ड टू से दैट रिलायंस कैन नॉट सक्सीड इन अ कंस्यूमर बिजनेस, जियो एंड रिलायंस रिटेल हैव प्रूव देम रॉन्ग। सही बोला, सही बोल रहे हैं। ये डायलॉग सुना क्या? लोग कहते थे हम लोग कंज्यूमर मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर जियो सिम कार्ड आप देखते हो भारत का सबसे ज्यादा चलने वाला सिम कार्ड है। कितने लोग जियो यूज करते हैं यहाँ पे? देखो पूरे आधे से ज्यादा क्लास, 50% ज्यादा मार्केट शेयर उनका है। कितने ये उनके, आपने कभी जियो रिटेल कभी सुना होगा, जियो मार्ट कभी सुना होगा? ये तो हर घर घर में पहुंचा है। वही बता रहे कि हमने इतना अच्छा काम किया है। और आप समझो, आप शेयर होल्डर है, आपको सारी चीजें बता रहे कि हमारी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। ये आप जानते हैं कौन है? ये उनकी माता जी है, ये उनके बेटे हैं। इफ दीज टू कंस्यूमर बिजनेसेस हैड बीन सेपरेटली लिस्टेड कंपनीज, ईच वुड बी रैंक्ड अमंग द टॉप 10 इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इस स्टेज पे कुछ लोग बैठे दिख रहे होंगे आपको, ये सारे के सारे लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके फोटोज हमने अभी देखे, उसमें मेस्वानी ब्रदर्स भी हो। वो जब जूम करे, देखो यहाँ पे नेताजी मुझे दिख रही है, ये राइट साइड में जो ये जो स्पेक्स वाले हैं वो मेस्वानी हैं, ये आपको दिखाएंगे।
देखिए जियो क्रॉस द 340 million सब्सक्राइबर मार्क टू रिमेन Jio crossed the 340 million subscriber mark to remain the world's fastest growing digital services company. Today, Jio is India's largest telecom enterprise in terms of subscribers, revenues and profits. Jio has truly become the digital gateway. Kaun hai chindi? Bhai Mukesh ji ke bare mein, are Mukesh ji ki bahu hai wo. ओ एक बात तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऐसा था कि इन्होंने शादी कर ली तो इनको लगा पोता भी होगा. मैंने कहा था इसके बारे में पहले, तो जिन्होंने नहीं सुना एक बार सुन ले. मैडम आप भी सुन लीजिए. किसे जब बच्चे होते हैं तो क्या गिफ्ट देना, क्या गिफ्ट देना, आपने सही इंसान क्या सोचा. चलो दुकान से सोचते भाई घर में पोता आएगा तो कुछ तो गिफ्ट देंगे. तो मुकेश अंबानी सोचा मेरे को अभी पोते को गिफ्ट देना है. पोता भी पोता हुआ नहीं, शादी जो हुई अभी, तो पोता प्रपोज्ड है अभी, कभी ना कभी तो आएगा. तो किस तरह से मोटिवेशन दिया देखो. बोले मेरे को दादाजी पहले बनने का है. तो मोटिवेशन क्या दिया. बोले वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय का कौन सा दुकान है, टॉय का ब्रांड कौन सा. बोले हैमली है. एक काम करें हैमली में से टॉय मत लाओ, फैमिली के ओनर को इंडिया में बुलाओ बॉम्बे में और पूछो कीमत कितनी है. और बस 2 घंटे की मीटिंग के दौरान हैमली कंपनी खरीदी वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉय कंपनी. अभी तो शादी, इससे बड़ा क्या मोटिवेशन कोई किसको दे सकता है. आप समझ आ रहे हैं क्या बोल. ये मुकेश जी है वेरी डायनामिक, एक खड़े खड़े कंपनी को खरीद लेते. यानी कि इनके बारे में जितनी चर्चा करें वेरी डायनामिक, हर रोज आपको इनके एक्विजिशंस के बारे में पता चलता होगा. पर ये जो है ना, ये सारे जो काम करते हैं पूरे साल में, हैमलीज लिया, जस्ट डायल लिया, अभी ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप किया, ये सारे जो काम करते हैं ना, ये सारे काम वो जनरल मीटिंग में बताते हैं, देखो हमने ये सब काम किया हुआ है. इसे शेयर होल्डर्स आर इनवाइटेड इन द एजीएम. ये सब ये सारे जितने लोग बैठे हैं ना, ये सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बैठे हुए. एंड रिटेल हैज क्रॉस्ड ₹130,000 crore टर्नओवर टू सीमेंट इट्स पोजीशन. ओके ओके गाइस दैट्स इट. तो ये हो गया एजीएम मैम, ने सब कुछ हो गया. आप आगे कंटिन्यू करें इसके लिए. एक नोटिस अगर आपको दिखाना है, नोटिस के बारे में तो आप नहीं, आप नोटिस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, बता दीजिए आप. दिखा दिए सारे शेयर होल्डर्स. एक बार दिखा दो ज्यादा. एस्टैब्लिशमेंट्स इन दीस 1600 टाउन्स, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो सब शेयर होल्डर्स ही है, राइट. तो इसलिए इसको एजिंग कहा जाता है, राइट एवरीवन. सर एक बात बताओ मुझे आपसे, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में क्या शेयर होल्डर जाके बात कर सकते हैं, हाँ या ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में क्या शेयर होल्डर जाके बात कर सकते हैं, हाँ या ना. द आंसर इज नो. क्योंकि कंपनी के कुछ काम होते हैं, जैसे उन्होंने कहा था, उनको पता है कंपनी की एग्जैक्ट बैलेंस शीट क्या है, एग्जैक्ट सारी चीजें उनको पता है. हम तो कभी कभार जाएंगे, क्या ज्ञान देंगे. तो अगर हमने उनको एक बार अपॉइंट कर लिया है तो वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन देम कि ये काम ऐसे ही होने वाला है, राइट. प्लीज आगे. तो एक बार बताइए मुझे, आई विल जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस, आप लोगों ने कितना ग्रास्प किया है. हर एक कंपनी को क्या अपने मेंबर्स को जनरल मीटिंग की नोटिस देना जरूरी है. चाहे आपने एक शेयर भी क्यों ना खरीदा हो, क्या आपको नोटिस मिलेगा. अच्छा, ये नोटिस जो है कौन से सेक्शन के द्वारा आपको दी जाती है. सेक्शन नंबर 101. अच्छा, ये जो नोटिस होती है इसमें काफी सारी चीजें लिखी होती है, बट 4 मेन चीजें होती है जो लिखी जाती है. एक सिंपल बात, चलो आपको सवाल जवाब के थ्रू ही आपको सेक्शन पढ़ा देती हूँ मैं आपको. सपोज शादी का इन्विटेशन आपने देना है किसी को. ओके, सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो रही है, आप हमें इन्वाइट करने आए हो. अब आप पत्रिका में क्या सारी बातें लिखोगे, चलो बताओ मुझे. सबसे पहली बात तो शादी किस दिन हो रही है, डेट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शादी कहाँ हो रही है, कितने बजे हो रही है, और अगर इसने मुझे इनवाइट किया है तो किस पर्पस के लिए इनवाइट किया है. तो ये कह रहा है कि मैम मेरी जो शादी है इसके साथ हो रही है, तो आप जरूर आपके फैमिली के साथ आना. तो बेसिकली कोई भी इन्विटेशन अगर देना है
तो ये इनविटेशन देते वक्त चार चीजों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, डे, प्लेस, आर एंड एजेंडा. कौन सी चार चीजें बोले तो? डे, प्लेस, आर, एजेंडा. देखो आपके सामने और एक मीटिंग की नोटिस है, ये इन्फोसिस लिमिटेड की नोटिस है, ओके. और ये जो इन्फोसिस लिमिटेड की 42nd AGM की नोटिस है, आप अभी एकदम गौर से ये नोटिस को देखना. पहली बात तो बताओ कौन से दिन पे ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है? 28th June 2023, तो डे. बट इस दिन पे कितने बजे, क्या ये भी पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ. सो टाइम, टाइम इज व्हाट? 4 PM अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. प्लेस तो दिया नहीं है क्योंकि ये जो मीटिंग है, जैसे सर ने कहा था कि कोविड के बाद यूजुअली मीटिंग्स जो होती है अभी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होती है. सो आप इंडिया में कहीं पे भी हो, चाहे आप राजस्थान से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, आप केरला, कर्नाटका, आप कहीं से भी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, एनीवेयर से आप क्या कर सकते हो, इस मीटिंग को 4 बजे अटेंड कर सकते हो. और साथ साथ में एजेंडा, एजेंडा मतलब ये मीटिंग में हम करने क्या वाले हैं. तो यहाँ पे कुछ ऐसे अटैचमेंट्स है, इस अटैचमेंट्स को अगर आप क्लिक करते हो तो हमें एक PDF फाइल रूट होगी और इसी फाइल में लिखा गया है कि ये मीटिंग में हम लोग करने क्या वाले हैं. बट चार मेन चीजें होती है जो हर AGM में डिस्कस की जाती है, ओके. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं. पहली बात तो डे, AGM कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे अदर देन अ नेशनल हॉलीडे. AGM कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे अदर देन अ नेशनल हॉलीडे. तीन नेशनल हॉलीडेज होते हैं, कौन से बताओ तो? 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2nd अक्टूबर. 2nd अक्टूबर को क्या है? यस. तो ये तीन दिन के अलावा साल भर में आपको जो दिन पे मीटिंग कंडक्ट करनी है आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो. अच्छा मैम, क्या मैं मीटिंग संडे के दिन भी कंडक्ट कर सकता हूं? जी हाँ, एनी डे अदर देन दीज थ्री नेशनल हॉलीडेज यू आर अलाउड टू कंडक्ट योर एनुअल जनरल मीटिंग. तो आप बताओ, ये खुद ये जो दिन है 28th of June, क्या ये नेशनल हॉलीडे है? तो क्या इस दिन पे मीटिंग हो सकती है? अलॉन्ग विद दैट टाइम बताओ क्या टाइम है. देखो आप अगर मीटिंग की नोटिस दे रहे हो, आपकी मीटिंग जो है इट शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, द रेगुलर बिजनेस आवर्स. इट मीन्स मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6. एक्चुअली मॉर्निंग 9 है लॉ के हिसाब से, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6. इसी के बीच में आपको आपकी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है. ऐसा नहीं होता है कि भाई सुबह के 5 बजे, रात के 12 बजे, ऐसी कोई भी मीटिंग आप कंडक्ट नहीं कर सकते. अगर आपको मीटिंग कंडक्ट करनी भी है, इट शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. बोलो तो, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स विल मीन मॉर्निंग 9 टू इवनिंग. तो डे हो गया, प्लेस हो गया, ओके, टाइम हो गया. प्लेस, यूजुअली AGMs आर कंडक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. तो हर एक कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. अगर आप फिजिकली मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हो तो आपकी ये जो AGM है वो कंडक्ट की जाएगी एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. जहां तक ऑडियो वीडियो मीटिंग की बात है तो ऑडियो वीडियो मीटिंग की तो सवाल ही नहीं उठता है. यू कैन कंडक्ट द मीटिंग एट एनी प्लेस, ओके. तो यू गेट अ लिंक, ID पासवर्ड रहता है, वो ID पासवर्ड पे लॉगिन करके वो पोर्टल ओपन हो जाता है, उस समय पे लाइव हो जाता है और आप मीटिंग जो है अटेंड कर सकते हो. एक आधी तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये जो मीटिंग है ITC की, बेटा सुन लो, ये ITC की मीटिंग है. और ये जो ITC की मीटिंग है, दिस ITC की मीटिंग इज कंडक्टेड थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अभी जो हमने 42nd AGM रिलायंस की बताई थी वो था मीटिंग विच वॉज कंडक्टेड फिजिकली, बट कोविड के बाद नॉर्म्स बदल गए, रूल्स बदल गए, आज के समय पे फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी नहीं है. जरूरी है मीटिंग कंडक्ट करना, चाहे वो वर्चुअली कंडक्ट करो या फिजिकली, अब हमें फर्क नहीं पड़ता है. ये देखो, दिस इज द 112th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ AG ऑफ ITC विच वॉज कंडक्टेड थ्रू AV मोड. टू द 112th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ योर कंपनी. This AGM is being held through electronic mode in conformity with the regulatory provisions and the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. सुना आपने? ये AGM conduct की जा रही है through the AV mode according to the regulations issued by the MC. MC मतलब Ministry of Corporate Affairs.
I have been informed by the company secretary that necessary steps have been taken by the company to ensure that members are able to attend this meeting, this AGM, and vote on the resolutions proposed at the meeting in a seamless manner. तो देखो हर मीटिंग में चार रेजोल्यूशंस तो कंडक्ट किए ही जाने वाले हैं अगर ये मीटिंग एजीएम है. कौन से चार रेजोल्यूशंस आज के सेशन में ही हम देखने वाले हैं. बट ये जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एक्ट के हिसाब से जो सारे रेगुलेशंस लगते हैं वो सारे रेगुलेशंस हमारी कंपनी ने कंप्लाई किए हैं. हर मेंबर को नोटिस दी गई है जिसके द्वारा अब वो है वो क्या कर सकता है, इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है. और जो भी रेजोल्यूशंस हम प्रपोज करने वाले हैं उन रेजोल्यूशन के लिए हर मेंबर जो है वो वोट कर सकता है. I've also been advised that the requisite quorum is present. I therefore declare the meeting to order. मैं वो कोरम के बारे में बता दीजिएगा. कोरम तो अब कोरम भी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में और शायद कल परसों में वो सेक्शन आ भी जाएगा. कोरम इज व्हाट इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं मीटिंग को शुरू करने के लिए. देखो मीटिंग नाम ही कहता है मीटिंग. मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कम से कम क्या दो लोग लगते हैं. एक पर्सन तो अपने आप से मीटिंग कंडक्ट कर नहीं सकता है. तो हर कंपनी के कुछ कोरम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है. और पब्लिक में भी स्लैब है अप टू 1005 मेंबर्स. ओके फिर ऐसा स्लैब है. स्लैब के हिसाब से 5, 15, 30 ये हम लोग कल देखने वाला है. कोरम होना जरूरी है. कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ मीटिंग. क्योंकि हम चाहते हैं ना कुछ तो कम से कम लोग इन्वॉल्व रहे इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इसलिए हमने कोरम को किया है कंपलसरी. तो ये कोरम वो कह रहे हैं कि हमने देख लिया है कितने मेंबर्स प्रेजेंट हुआ है और जितना हमारी कंपनी के लिए कोरम रिक्वायर्ड था उतने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है और इसलिए अब मैं मीटिंग शुरू करने जा रहा हूं. आई वुड लाइक टू एडवाइस दैट आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग फ्रॉम कोलकाता. I would now like to introduce my colleagues on the board who are attending this meeting from different locations. I will start in alphabetical order. Okay, fine. With Mr. ये सब जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे अभी वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कौन कौन मीटिंग में आया है. ये चेयरपर्सन है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये कंपनी के MD है और ये पूरी मीटिंग में वो डिस्कस क्या करेंगे, कंपनी ने साल भर किया क्या है उस बारे में चर्चा की जाएगी. क्योंकि देखो साल भर आप तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे बट एज एन ओनर आपका ये जानने का अधिकार है कि साल भर कंपनी ने किया क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे क्या करने जा रहे हैं. ये सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज व्हाई दिस मीटिंग्स हैव बीन कंडक्टेड. तो देखो एक हो गया डे, एक हो गया प्लेस. प्लेस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस. एवी मोड है तो फिर प्लेस की तो कोई टेंशन ही नहीं है. आप घर बैठे बैठे, ऑफिस बैठे बैठे, क्लास बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, ये मीटिंग को वर्चुअली अटेंड कर ही सकते हो. टाइम इज बिजनेस आवर्स. एजेंडा हर मीटिंग में AGM में चार चीजें कंपलसरी होती है. ओके चार चीजें. पहली बात तो मीटिंग कहां पर होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके ये हमारा अड्डा जैसा है. अड्डा अड्डा समझते हैं आपको क्या होता है. कॉलेज की लाइफ में आप स्लैंग में यूज करते होगे वर्ड अड्डा. ये हमारा अड्डा है. तो जैसे कि हर कॉलेज के बाहर जो एक चाय की टपरी होती है वो आपका अड्डा होता है. यूजुअली आप एक पर्टिकुलर समय पे वहां पे मिलते हो. तो वैसे ही AGM की भी अगर हम बात करें, साल में एक बार कंपनी के जो मेंबर्स है वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे मिलते ही है. सो दैट इज लाइक द अड्डा. हर AGM में अड्डा तो होता ही है. अड्डा मतलब क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. ओके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैं वापस से चारों भी चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट जो है वो सवाल पूछता है. हर AGM में, हर एक AGM में कंपल्सरीली चार चीजें तो होती है. कौन सी चार चीजें, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर्स कौन होते हैं बेटा, जो ऑडिट करते हैं. ओके इससे बेटर कोई जवाब हो सकता है. ऑडिटर CA होना जरूरी है. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट
अच्छा सुनो मेरी बात, ठीक है, मोटा मोटी आपको पता है ऑडिटर्स क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं ओके, उसके बारे में वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि ये ट्रू है, फेयर है या नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज ओके, एंड एंड ऑडिटर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू एन ऑडिट वर्क. तो ये ऑडिटर्स जो होते हैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ओके. आम जनता को जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन चीजों का एक्सपर्ट नॉलेज हो, और इसीलिए एज अ शेयर होल्डर हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और यही ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन जो है बताते हैं रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. तो ये ऑडिटर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बल्कि कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स. आप सोचो अगर डायरेक्टर्स ही ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो दोनों मिलकर शेयर होल्डर्स को ही लूट लेंगे, बराबर ना. तो इसीलिए ये ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स कब अपॉइंट करते हैं, इन द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग. फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन एवरी एजीएम इज यू अपॉइंट द ऑडिटर. दूसरी चीज जो सर ने कहा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, आप क्या करते हो, आप अपॉइंट करते हो कंपनी के डायरेक्टर्स. तो एज अ मेंबर आपके पास पूरा अधिकार है कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का. तो सेकंड चीज जो हर एजीएम में होती है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. अच्छा डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग डायरेक्टर्स, रेज योर हैंड ओके. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग डिविडेंड डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं? Nobody? Okay. तो अफसोस की बात है आप सभी बच्चे गलत हो. Yes. सुनो मेरी बात, इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं. डिक्लेयर कौन करता है, डिक्लेयर करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स. डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल भर काम किया है, साल भर काम करने के बाद उनको पता है कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट हमें डिविडेंड की तरह डिक्लेयर करना चाहिए और कितना कंपनी में रिटेन करना चाहिए फ्यूचर प्लान के लिए. से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया कि 10% डिविडेंड हम डिक्लेयर करना चाहते हैं. हमारे शेयर होल्डर्स या तो ये डिविडेंड को एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर उसको रिजेक्ट करेंगे. एक ही चीज का पावर है, अगर वो चाहे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं लोअर रेट, वो डिविडेंड के रेट को इंक्रीज भी नहीं कर सकते हैं. सो वापस से अब सही जवाब देना, डिविडेंड रेकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट डिविडेंड डिक्लेयर कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. और चौथी चीज जो हर मीटिंग में होती है, एंड दैट इज टू कंसिडर एंड अडॉप्ट the financial statements, which is the main thing that is happening. Financial statements मतलब आपका profit and loss account और आपका balance sheet. साल भर में आपकी कितनी assets बढ़ी है, कितनी liabilities घटी है, कितना profit कमाया है या कितना losses आपने suffer किया है, ये चीज के बारे में भी क्या आपको पता होना जरूरी है या नहीं है, यही सारी चीजें भी consider की जाती है in the company's annual general meeting. हर साल ये चार चीजें कंडक्ट की जाती है एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, विच इज द अड्डा. और अड्डा ही उसकी मेमोरी टेक्निक है, बताओ. अड्डा, ए इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डी इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, डी इज फॉर अपॉइंटमेंट, अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ, एंड वापस से ए इज फॉर टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वापस से बताओ 101 के हिसाब से हर मेंबर को क्या नोटिस मिलना जरूरी है या नहीं है? साथ साथ में आप लोग मुझे बताओगे ये नोटिस में चार चीजें लिखी होती है, कौन सी चार चीजें, बोलो. डे, प्लेस, आर, अजेंडा. डे मतलब कौन से दिन पे, कैन इट बी कंडक्टेड ऑन एनी डे अदर देन अ नेशनल हॉल. प्लेस बताओ, प्लेस इज रजिस्टर्ड ऑफिस. टाइम बताओ, बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स को स्पेसिफाई करो, मॉर्निंग 9 to evening 6. एंड अजेंडा, अड्डा, अजेंडा क्या है, एजेंडा समझते हैं आपको, एजेंडा मतलब आपका पर्पस. एजेंडा का सिंपल मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिव, कि मिलकर ये मीटिंग में आप करना क्या चाहते हो, इज द एजेंडा. हर एजीएम में क्या होता है, अड्डा,
हर एजीएम में अड्डा होता है. क्या होता है अड्डा? मतलब क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डे एंड टू कंसिडर एंड अडोप्ट द फाइनेंशियल से. अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप और कुछ करना चाहते हो तो क्या आप कर सकते हो? अगर हमारे मेंबर्स मिले ही है, से फॉर एग्जाम्पल हमें हमारा कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, सुन रहे हो क्या आप लोग, या हमें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है. अब हम सोच रहे हैं ये सारी चीजों को करने के लिए तो हमें मेंबर्स का अप्रूवल लगता ही है. अगर मेंबर्स को इतना तकलीफ दिया ही है, बुलाया ही है, तो why not to take the resolution for these different aspects also. तो इसके अलावा भी अगर हम चाहे तो दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पेशल बिजनेसेस. अड्डा इज ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि हर साल ये चार चीजें तो होने वाली है. ये चार चीजों के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसी को कहते हैं एज अ स्पेशल बिजनेस. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है पुणे से मुंबई, हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है. अगर शेयर होल्डर्स मिल ही रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट कर ही रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी ओपिनियन लेके रेजोल्यूशन पास करके हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस. कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, ये सारी चीजों के लिए भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है. अगर एजीएम की हमने तकलीफ ली है, मेंबर्स को बुलाया ही है, तो हम लोग इस मीटिंग में भी क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं. तो ये चार चीजें तो होना कंपल्सरी है, अड्डा. बट अड्डा के अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये चार, आप ये चार के अलावा भी कर सकते. सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है लॉरस लैब, जहाँ पे उसने स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये जो मैम ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, थ्योरी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में भी क्या सच में नोटिस के साथ में इन सारी चीज़ों को दिया जाता है. स्क्रीन पे आप देखना, देखो ये कंपनी का नोटिस है, और ये कंपनी का जो नोटिस है वो कह रहा है कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट 18th एनुअल जनरल मीटिंग ये होने वाला है 14 जुलाई को 3 बजे. अभी ऑर्डिनरी बिजनेस का जो अड्डा है उसको हम लोग चेक करते हैं क्या इसमें ए डबल डी ए वाले पॉइंट लोग सच में फॉलो करते हैं कि नहीं. जरा ए मतलब क्या होता है? ऑफ. तो यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात की क्या नहीं की है. उसके बाद में डी डी वाला पॉइंट कौन सा है? डायरेक्टर्स. एक बार चेक करो जरा तो कहां पे लिखा है. जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट में एक बार चेक कर लीजिए आप क्या लिखा है. कंसिडर एंड अडॉप्ट व्हाट ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, यानी कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करेंगे. दैट इज अड्डा वाला ए पॉइंट, राइट? एक्चुअली इसका होल्डिंग सब्सिडियरी भी है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. राइट. कंसोलिडेटेड समझता है आपको? होल्डिंग और सब्सिडी को कंबाइन करके जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है तो आपके एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, दैट्स अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो उसमें आपने अड्डा में ए फॉर देखा था टू कंसिडर एंड अडॉप्ट, बोलो ना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ए का मतलब था आपका ऑडिटर्स. यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स देयर ऑन, ऑडिटर्स देयर ऑन, राइट? तो ऑडिटर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा. यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे लिखा है वापस से इन्होंने वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा है, और अपना दो बार डी यहाँ पे था कि जिसके नाम था डिविडेंड. क्या यहाँ पे लिखा है कि कंपनी कितना ये डिविडेंड दिया क्या देने वाले हैं? यहाँ पे ये टू अप्रूव बात कर रहे हैं, टू अप्रूव लिखा है, अप्रूव. एंड यानी कि ये जो है ना ये सिर्फ रिकमेंडेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इसको एजीएम अप्रूव करेंगे. यहां पे लिखा है टू अप्रूव एंड रेटिफाई इंटरम डिविडेंड, ये भी लिखा है इंटरम डिविडेंड, यानी कि ये सारे जो डिविडेंड के लिए प्रपोज करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच विल बी अप्रूव्ड इन एजीएम. तो यहां पे यही लिखा है कि जैसे मैम कह रही थी कि ऑर्डिनरी बिजनेस, आपको जब मीटिंग में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आखिर इस मीटिंग में क्या क्या होने वाला है. तो एक होगा हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक होगा कि हम लोग डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना हमने इतना प्रपोज किया. आप सोचकर आना घर से, क्योंकि मीटिंग की नोटिस 21 दिन पहले दी जाती है आपको. 21 दिन में आप विचार करना कि हमारा ये प्रपोज्ड है, आप सोचना इतना डिविडेंड देना भी है कि नहीं देना, हम आपको पूछ रहे हैं. उसके बाद में और एक ए फॉर था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यहां पे लिखा है टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन प्लेस सत्यनारायण चावा हु रिटायर्स बाय रोटेशन एंड बींग एलिजिबल फॉर ऑफर फॉर रीअपॉइंटमेंट. यही बंदा रिटायर भी होगा और वापस से इसी को ही रीअपॉइंट किया जाएगा. एवरीबॉडी गॉट इट? तो ये सारी जो चीजें होती है मैम, वो जो स्क्रीन पे आप दिखा रही थी, एक ऑर्डिनरी था,
एक स्पेशल था, तो एक कंपनी के स्पेशल काम भी देखो कितने सारे यहां पे लिखे हुए। तो मतलब हर कोई कंपनी को ये जो रेगुलेशन से फॉलो करना बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब हम लोग जो भी करते हैं, ये सब कुछ जो हम लोग सेक्शन में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें आपको एज इट इज उनको फॉलो करना जरूरी है। और मैं आपको ये प्रैक्टिकल क्यों दिखाता हूं, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते ना लगता है ये सिर्फ एक थ्योरी चल रहा है, ये थ्योरी नहीं है। ये बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टर्स, मुकेश अंबानी से लेकर राजीव पुरी, जो संजीव पुरी आप देख रहे थे, ये आईटीसी कंपनी तक के, इंफोसिस को लेकर सभी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनीज हो या बड़ी कंपनी हो, इनको सारे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। और जब आप उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप उसकी अहमियत को बढ़ाओगे कि नहीं यार, जो मैं पढ़ रहा हूं ये ना कि सिर्फ मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट के माध्यम से पढ़ रहा हूं, बल्कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इस वर्ल्ड की, आई मीन इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी के ओनर है, उसको तक ये फॉलो करते हैं, तो हम लोग को तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, आगे। अच्छा, कोई भी मीटिंग की जो नोटिस होती है वो कम से कम दी जाती है 21 डेज बिफोर द मीटिंग। कितने दिन पहले? 21 डेज। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आज मीटिंग है और कल ही मैंने नोटिस डिस्पैच किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हम प्रैक्टिकली देख ही लेते हैं कि ये मीटिंग, अच्छा ये कब आई है मीटिंग की नोटिस, आपको आप बता सकते हो? नहीं, मीटिंग की डेट 14th को है ये, आपको ये June 21 को, और मीटिंग होने जा रही है हमारी July 11 को, सही है? यस। नहीं, ये तो कमेंसमेंट ऑफ ई वोटिंग है। ओके, 14th day of July। हाँ, यानी कि आपको ये मीटिंग का नोटिस है 21 जून, यानी इस महीने के 9-10 दिन हो गए और साथ में 14 दिन हो गए, यानी कि 23-24 दिन पहले नोटिस आए हुए। राइट, तो कोई भी नोटिस जो होती है, ठीक है, वो नोटिस कितने दिन पहले दी जाती है? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। और नोटिस देगा कौन, आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है, कोई एकादा मेंबर या चलो कोई एकादा डायरेक्टर, क्या उसको अथॉरिटी दी जाएगी? कोई कस्टमर है रिलायंस का, वो नोटिस दे देगा, चलेगा क्या? आपको क्या लगता है, अगर कोई आपको ओनर की तरह बुला रहा है, आपको नहीं लगता इवन यू शुड फील क्या भाई आपको इज्जत दी जा रही है? सही बंदे ने आपको इन्वाइट किया, कल जाके इसकी शादी है, इसकी छोटी बहन इन्वाइट कर रही है, विल यू फील रिस्पेक्टेड? नहीं। आपको क्या लगेगा कि घर के जो बड़े लोग हैं वो मुझे शादी के लिए इनवाइट करे, वैसी ही बात होती है। और इसीलिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 101 में कहा है कि इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग। यहाँ पे लिखा देखना, एक मिनट मैं आगे भी बोलती हूँ, इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग। बट बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं इन लोगों को बिजनेस करने आता है, लॉ का इतना नॉलेज नहीं होता है। तो आगे ही सेक्शन कहता है अगर डायरेक्टर्स चाहे अपना ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं मिलकर, एंड देन दिस पर्सन विल बी ऑथराइज्ड टू कॉल फॉर अ मीटिंग। यूजुअली ये जो पर्सन होता है जिसको लॉ का नॉलेज होता है, इट इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तो अगर मुकेश अंबानी को लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, बिजनेस कैसे करना है वो उन्हें पता है, तो वो क्या करेंगे, ये टेक्निकल चीजों का डेलीगेशन जिसको लॉ का एक्सपर्ट है उसी को वो डेलीगेट कर लेंगे। तो अब देखो ये जो नोटिस भी आई थी, इस नोटिस के एंड में लिखा होगा, ये देखो, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, एंड देन इस पर्सन का नाम है जो कंपनी का, कौन है, मिस्टर रेड्डी इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तो अगर आप चाहो प्रायोरिटी पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर, मतलब एक सिंगल डायरेक्टर भी मीटिंग की नोटिस डिस्पैच नहीं कर सकता। एक बार आ गया ना इंस्टीट्यूट का 2 मार्क का सवाल कि एक डायरेक्टर था, कितना उसने क्या कर दिया, मीटिंग की नोटिस जो है डिस्पैच कर ली। अब आप बताओ क्या ये नोटिस वैलिड और इनवैलिड? Why invalid? नोटिस डिस्पैच करने का पावर एक डायरेक्टर के पास नहीं है। अगर नोटिस डिस्पैच करना है, इट इज गोइंग टू बी ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंगुलर है कि प्यूरल है? मतलब एक डायरेक्टर के पास नोटिस डिस्पैच करने का पावर, नोटिस अगर डिस्पैच करना है तो सभी डायरेक्टर्स को मिलकर डिसीजन लेना होगा टू डिस्पैच द नोटिस। बट अगर डायरेक्टर्स नोटिस डिस्पैच नहीं करना चाहते, क्या वो अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? फिर ये जो कोई और है क्या नोटिस डिस्पैच कर सकता है? जैसे इस केस में मुझे बताओ ना,
इस केस में क्या हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये पावर किसको डेलीगेट किया है? तो क्या कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के बिहाफ पे नोटिस डिस्पैच कर सकता है? अरे हाँ है ना, इस केस में वही चीज हुई है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस को बनाया है और नोटिस को किया है डिस्पैच। ये सुनो गाइस, एक बार सवाल पूछूं क्या फटाफट आप लोगों को? हाँ लिखोगे आप लोग? हाँ वो 21 डेज के ऊपर ना बेटा कल हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, अभी तक 101 कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा घंटा और लगेगा। तो थोड़ा सा अगर आपका डाउट आया भी है ना रोक लो, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड एंड आस्क मी द डाउट। नहीं तो फिर देर इज अ रिकॉर्ड डेट, वो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स है उनको नोटिस मिलेगा। यानी कि नोटिस उन्हीं को ही मिलेगी जो रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर होल्डर्स थे, राइट? उसके बाद में जो लोग नए आएंगे उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ओके। ऐसे तो हर मिनट हर सेकंड शेयर होल्डर्स बदलते रहते हैं, है ना? तो कुछ चीजें आप लिख लोगे? ये ओके ठीक है। आप लोग को सभी को ऐसा एक पेज मिला होगा, राइट? आपको मिला है पेज? इस पेज पे आप लोग कौन सी चीजें समझ पाए हैं? वहां पे यहां पे कुछ लिखा है, देखो नोटिस। मैम इस नोटिस को जरा बताएं स्क्रीन के ऊपर आप। देखो ऐसा कुछ लिखा है आपके नोट, आपके पास एक पेज आया होगा, राइट? सभी लोग जो लोग वर्चुअल लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वो स्क्रीन पे देखें, और वहां पे आप अंडरलाइन करना उन सब चीजों को जो मैम ने अभी पढ़ाई। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट पर्सुएंट टू प्रोविजन। मैम आपसे सवाल है जी, ये कौन से प्रोविजन की बात कर रहा है? नोटिस इज हेयर बाय आपके लिए वहां पे उन्होंने लिखा है पर्सुएंट टू द प्रोविजन। अब आपको लिखना है प्रोविजन का नाम नहीं लिखा उन्होंने कौन सा प्रोविजन है, पर आप जानते हो कौन से प्रोविजन की बात कर रहे हैं वहां पे। आई रिपीट हियर, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि वहां पे आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 101। आपको दिख रहा है मैं कहां पे पढ़ रहा हूं? यस यहां पे पर्सुएंट टू, उसको हाईलाइट कर देना मैडम प्लीज। और एंड रूल्स मेड देयर अंडर रीड विद द सर्कुलर इशूड बाय द सेबी, इसका चार्जर लगाना ना, एंड एमसीए ऑन द होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग द 18th, अंडरलाइन द वर्ड गाइस, 18th एजीएम उनको होल्ड करना है। अभी मैम ने क्या कहा था उस नोटिस के साथ में, क्या क्या आना चाहिए? डे, अंडरलाइन द वर्ड डे, तो डे 14th डे ऑफ जुलाई, तो सभी लोग अंडरलाइन करें 14th जुलाई, यानी कि डेट आपका आ गया। उसके बाद में टाइम 3 बजे को अंडरलाइन करें, यानी कि टाइम आ गया। और मोड कौन सा है इसका? ये मोड है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीसी मोड। क्या मोड है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड है। अगर फिजिकल मीटिंग होती तो हम यहां पे क्या लिखते? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अच्छा आप एक बात बताना, ये नोटिस आया किसको है? शेयरहोल्डर का नाम क्या? यहां पे स्वप्निल पाटनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। मेरा एक सवाल है, क्या कंपनी का शेयरहोल्डर क्या एक ह्यूमन बींग बन सकता है या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड LLP बन सकता है? स्क्रीन पे इस बात का बहुत क्लियरली खुलासा है कि बाय करने वाला पर्सन सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए, पर्सन होना जरूरी, कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये मैंने नहीं, SPC क्लासेस ने शेयर्स परचेस किए हुए, तो ये भी एक आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि शेयरहोल्डर कोई भी बन सकता है। कभी किसने पूछा क्या मेरी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर परचेस कर सकती है क्या? वो आपके सामने क्लियर हो चुका है, SPC स्वप्निल पाटनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड भी किसी और कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। मैम एक क्लास ऑफ मीटिंग है, आप सभी लोग मेरे पास देखें, आप सभी लोग ध्यान दें, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मैम इसमें एक क्रेडिटर्स मीटिंग है, बराबर है? मैं उसके ऊपर कुछ बताने जा रहा हूं। आपके सामने दो स्क्रीन पर जरा देखिए, हाँ जी देख रहे हो क्या आप? अब एक काम करो, इसको आप जरा ये चार्ट बनाओ और लिखो वहां पे टाइप्स ऑफ मीटिंग। आपकी नोटबुक में कम टू अ फ्रेश पेज, लिखो जरा इसको, एक नए पेज पे आना। अभी
हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं. इसके पहले जो भी था इंट्रोडक्शन था, नए पेज पे लिखिए टाइप्स ऑफ मीटिंग्स. ये आपको लिखना है टाइप्स ऑफ मीटिंग. है क्या उसमें? ओके गाइस, ये आपने लिख दिया टाइप्स ऑफ मीटिंग. जल्दी से बताओ तीन टाइप की मीटिंग दिख रही है आपको, कौन सी दिख रही है? एक शेयरहोल्डर्स की मीटिंग, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और एक क्रेडिटर्स की मीटिंग. तीन नाम लिख दो फिर मुझे कुछ बताना है. शेयरहोल्डर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग, बराबर है एवरीवन? आज हमने शेयरहोल्डर्स की मीटिंग को देखा, देखा है नहीं देखा? आपको आज एक वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाया रिलायंस का. लिखो एग्जाम्पल रिलायंस एजीएम. आज आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाया मैडम ने आईटीसी का एजीएम. रिलायंस का दिखाया एक, एक आईटीसी का, याद है आपको आईटीसी कौन है उसके डायरेक्टर? संजीव पुरी आपने दिखा होगा. फिर उसके पहले आपको मुकेश जी का दिखाया. तो ये सब शेयरहोल्डर्स मीटिंग चल रहा था जहां पे शेयरहोल्डर्स को बुलाया जाता है. अभी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूंगा. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कौन से लोग? अगेन एग्जांपल हमने रिलायंस के लिए था, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद है नहीं याद है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मीटिंग होता है. सर उसके वीडियो बाहर नहीं आते? नहीं आते बेटा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल वीडियो होते हैं यार, वो थोड़ी ना जनहित में जारी करेंगे. एजीएम तो शेयरहोल्डर्स के लिए बनाया जाता है. आप कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोई वीडियो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर. आप मैं जब तक मैं एसपीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मैं बैठता हूं, मैम बैठती है, मेरे पापा बैठते हैं, वो अलग मीटिंग है, पर वो भी अगेन इट इज कॉन्फिडेंशियल. तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के वीडियो कभी पब्लिक में और जनहित में जारी नहीं होंगे, इसलिए दिखाया नहीं जाता. पर आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं. अब एक है क्रेडिटर्स का मीटिंग. आपको दिख रहा है क्रेडिटर्स? एवरीबॉडी डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स. सभी लोग ध्यान देना, एक अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं. आपने बताओ इन दिनों में किसको क्या नॉलेज चल रहा है, कौन सी कंपनी के ऊपर बहुत सारे आजकल एलिगेशन और सवाल उठाए गए, जहां पे ये बताया गया. मैम जरा यहां पे सर्च करिए आपके इसमें लैपटॉप में, यहां पे लिखिएगा लिस्ट ऑफ बैंकर्स ऑफ अडानी कंपनीज. आपको यहां पे ये सारे लोग दिख रहे होंगे जिन्होंने, ये वो सारे लोग हैं, इतनी सारी कंपनीज है. मैं आपको कुछ यहां पे खास चीजें दिखाना चाहता हूं. मेरे पास में डायरेक्टली डेटा है, क्या आप इसको कनेक्ट कर दोगे प्लीज? आप बताओ अडानी कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है क्या डेट ज्यादा नहीं है? बहुत डेट ज्यादा है, या कि यानी कि उन्होंने बहुत धंधा तो बढ़ा है पर बहुत उधारी पे पैसे लेके बढ़ा है. बताओ लोगों को तो डर तो लगता होगा ना, नहीं अडानी इतना लोन ले रहा है, इतना लोन ले रहा है. क्या आप में से कोई बताएगा अडानी का टोटल लोन कितना होगा? सर इतना बड़ा लोन, अब हम लोगों को क्या पता कितना बड़ा लोन होगा. ये सवाल ये देखिए जरा क्या लिखा है, 2.27 ट्रिलियन इतना लोन लेके बैठा है बंदा. अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का टोटल लोन. आप सोचिए जब किसी को आप पैसे देते हो तो 10 बार सोचते इसको 10,000 दे के नहीं दे, ये वापस देगा कि नहीं देंगे. सोचिए इन्होंने कितना सोच के लोन दिया होगा. अब लोन तो दे दिए और एक बंदे ने उनके अगेंस्ट में रिपोर्ट निकाल दिया, इंडस बग आप जानते होंगे. उनकी रिपोर्ट के बाद तो आप जानते हो क्रेडिटर्स की भी लग गई होंगी, क्योंकि पूरे देश भर में अफवाह चल रही थी कि अडानी बर्बाद हो जाएगा बिकॉज इन्होंने इतना ज्यादा लोन लिया है जितनी उनकी औकात भी नहीं है. ये लोन का रिपेमेंट कैसे करेंगे? सोचिए ऐसे समय पे ये सारे जो क्रेडिटर्स है इन्होंने जब पैसा दिया हुआ है, ये जरा ध्यान से देखिए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे कंपनी के 5 लेंडर्स टू अडानी ग्रुप एंड देयर एक्सपोजर टू द क्राइसिस रिडन कॉन्ग्लोमरेट. ठीक ना, कौन सी बड़ी बैंक्स है जिन्होंने इनको इतना पैसा दिया हुआ है? यहां पे देखिए वो सारे तमाम बैंक जिन्होंने कितना सारा, सबसे पहला आपके सामने SBI जो यहां पे लिख रहा है, जिन्होंने केवल 27,000 करोड़ रुपए दिए मात्र.
बैंक ऑफ बड़ौदा, आप जानते हो कितना बड़ा बैंक है? इन्होंने 6,300 करोड़ लिखा है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, ये पंजाब नेशनल का है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ और लिखा होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, जिन्होंने भी बहुत सारा पैसा इस कंपनी को दिया हुआ है। ये सारी वो कंपनीज है, देखो यहाँ पे कुछ 7,000 करोड़, 12,000 करोड़, बहुत सारी करोड़ों की संख्या में इनको पैसे दिए हुए। अब सवाल उठ रहा है, इतना जब पैसा दिया जाता, कोई बैंक अगर इतने सारे पैसे दे रही है, 27,000 करोड़ रुपए जब किसी को देंगे, आपको लगता नहीं इनका भी दिल में कुछ ना कुछ तो दर्द होगा? दर्द की बात नहीं, दर्द डिस्को होता होगा। जब सोचो जब कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो इनको तो रीपेमेंट नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे लोग भी चाहते हो कि हमारा भी मीटिंग होना चाहिए? ये क्रेडिटर्स का भी मीटिंग होता है और क्रेडिटर्स बोलते हैं हमारा भी मीटिंग। मैम इसका क्या बोलना चाहिए क्रेडिटर्स मीटिंग वाले, क्या इनको भी मीटिंग में बुलाया जाता है? जी, इन्हीं को इनफैक्ट बुलाया जाएगा और ये क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है उसी को हम कहते हैं एज द क्रेडिटर्स मीटिंग। ये क्रेडिटर्स जो होते हैं ये आके कंपनी के साथ में मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कंपनी को, जिसको कंपनी हमने लोन दिया है वो हमारे पैसों के साथ में, क्योंकि हम लोग रोज आपके बारे में बहुत नेगेटिव सुन रहे हैं। क्या सच में आपकी कंपनी के हाल इतने बेहाल है? क्या आप हमें रिपेमेंट करोगे भी या नहीं करोगे? क्योंकि आपकी कंपनी, हमने थोड़ा सा पैसा नहीं दिया है, वी हैव गिवन यू ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये सारे हमारा भी हक है। देखो साहब, शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर लेके आपकी मीटिंग में बैठ जाते हैं, सर हमने 27,000 करोड़ रुपए दिए, हमको मीटिंग में नहीं बुलाओगे आप? मतलब हमें ये भी अधिकार नहीं तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है जानने का? सोचो कुछ लोग डेट से कंपनी के मीटिंग में आते हैं, कुछ लोग इक्विटी से आते हैं, राइट? दो चीजें होती है, जो इक्विटी कंपनी की लेता है ना, इक्विटी यानी शेयर्स देता है, मात्र एक शेयर में भी आप एजीएम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब जिस बैंक ने इतने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं वो बोलेगा सर मेरी इतनी इज्जत नहीं, सिर्फ मैं डेट दे रहा हूं, आपको उधारी पे लोन दे रहा हूं, जिसके ऊपर मुझे कुछ बैज मिलने वाला है, इस अपेक्षा से मैंने आपको लोन दिया, मुझे ये तो बता दो तुम्हारी कंपनी ने पिछले वर्ष में क्या किया है, मैं जानू तो सही तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए वहां पे आता क्रेडिटर्स मीटिंग। इसलिए अडानी जैसे जितने भी लोग जो बहुत सारा पैसा बोरो करती है ना, तो उनकी क्रेडिटर्स का एक सेपरेट मीटिंग लिया जाता है। आज एसपीसी में 1 रुपए का लोन नहीं है, इसलिए हमारी कंपनी के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज मेरे ऊपर कोई लोन ही नहीं है। पर जब मैं बहुत सारी कंपनी से लोन लेने लगूंगा, बैंक से लोन लेने लगूंगा, तो मुझे इनका भी सेपरेट एक मीटिंग रखना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये जो क्रेडिटर्स मीटिंग है ये किसी कंपनी को एप्लीकेबल हो भी सकता है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। डिपेंड क्या, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कंपनी ने लोन लिए है, लोन ही नहीं है, डिबेंचर ही नहीं, कोई उन्होंने किससे बोरो किया ही नहीं है, तो लोन कुछ है नहीं, तो फिर क्यों मीटिंग, किस बारे में मीटिंग? एक बार स्क्रीन बताइए जहां पे सब हो रहा था। सो तीन टाइप के मीटिंग आपको दिख रहे होंगे, जरूर वहां पे तीसरे मीटिंग के नीचे लिखेंगे आप, क्या नाम लिखेंगे वहां पे? क्रेडिटर्स मीटिंग। वहां पे लिखिएगा क्रेडिटर्स मीटिंग के नीचे आप लिखिए अडानी, और लिखो वहां पे एग्जांपल कौन से बड़े बड़े बैंकर्स कौन से कौन सी है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक, ये सारे। और आप बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे आप क्या, किसके नाम लिखोगे? एग्जाम्पल लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्वप्निल पाटनी को बुलाएंगे रिलायंस के, लिखो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के नीचे लिखो, लिखो वहां पे रिलायंस। सर रिलायंस का नाम क्यों, अब बताओ रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से? अब लिखो मुकेश जी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, लिखो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे रिलायंस, और फिर उसके नीचे लिखो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मेस्वानी ब्रदर्स, वो जो आंटी थी गुस्से में क्या नाम था उनका, भट्टाचार्य, और ये अंकल थे मुस्कुराते प्रसाद अंकल, अरुंधति भट्टाचार्य, लिखो प्रसाद अंकल, चौधरी अंकल, ये सब सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाएगा जी, और इनका बुला के बोर्ड ऑफ मीटिंग लिया जाएगा। तो आप बताओ तीन टाइप की मीटिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। मैम एक फटाफट रैपिड क्वेश्चन पूछ के आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मुझे सिर्फ और एक चीज बतानी थी, वो जो अड्डा है, अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, 101 में ये तो लिखा गया है कि आपको डे प्लेस टाइम और एजेंडा लिखना है, बट एजेंडा क्या होता है वो 102 में बताया गया है। तो लॉ में कैसा होता है ना, एक दूसरे से सेक्शंस कनेक्टेड होते हैं, तो हम एक साथ सारी चीजें करने वाले हैं। आपके पास वो जो पेपर है ना, दो पेपर्स दिए गए, हाँ, दूसरा पेपर खोल दो अभी, ये देखो यहाँ पे ऐसा ऑर्डिनरी बिजनेस, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस लिखा है। लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप इसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेना इसको प्लीज। हाँ ऑर्डिनरी बिजनेस आपको दिखा है, आसपास पे बेटा एक पेज दर्ज दे देना,
एक दूसरे के साथ में शेयर कर लो अगर नहीं मिला तो। फर्स्ट पेज देखो, नोटिस का फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा, वहां पे हाईलाइट कर दो ऑर्डिनरी बिजनेस। मैम के ऑर्डिनरी बिजनेस भी 101 नंबर के सेक्शन का ही पार्ट है? नहीं नहीं, 102 का है। 101 में सिर्फ ये लिखा है कि डे प्लेस आर एजेंडा होता है। एजेंडा में क्या क्या होता है वो लिखा गया है 102 में। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के बाजू में लिख दो एज पर सेक्शन 102, और स्पेशल बिजनेस जो ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल है, सेम 102। ऑर्डिनरी भी 102 नंबर का सेक्शन है और स्पेशल भी 102 नंबर का सेक्शन है। ये पेज मिला है आप लोगों को? जी हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप महसूस कर लो मिल जाएगा जिन सबके से मिले ऑलमोस्ट। 102 नंबर ऑर्डिनरी में लिखेंगे आप और स्पेशल में भी लिखेंगे। वहां पे ऑर्डिनरी में अड्डा को ढूंढ लो एक बार, ADDA है ना, वहां पे लिख दो ADDA। यहाँ पे एक्चुअली ऑडिटर्स का पॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऑडिटर जब अपॉइंट होता है, ही इज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, है ना, तो वो कभी होता है, मतलब जब वो 5 होगा तो उस समय होता है। यस, बट एनीवेज गाइस, आप एक काम करो, पहले तो अडॉप्टेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ए अंडरलाइन कर दो आप, ये अडॉप्ट वाला ए, और सेकंड में भी वही ये कंसोलिडेटेड वही ए, मतलब वही अडॉप्ट वाला ये, तो उसको आप अंडरलाइन नहीं भी कर दो चलेगा। आप देखो थर्ड और फोर्थ में आपको डिविडेंड दिख रहा हूं, यानी डी वाला पॉइंट है, आप कोई भी एक डी चुन लीजिए उसमें से। और एक आपको डायरेक्टर वाला पॉइंट दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 5 पे, अभी दो दो डायरेक्टर इसलिए दो दो लिखे हैं, तो आप दो डिविडेंड तो एक डिविडेंड, दो डायरेक्टर तो एक डिविडेंड। अपने को ये देखना है कि मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, तो डायरेक्टर को अपॉइंट करें, तो डायरेक्टर एक भी अपॉइंट करेंगे 10 भी अपॉइंट, तो 10 बार लिखेंगे इसके बाद अपने लिए तो पॉइंट एक ही हो जाएगा ना। हाँ, कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने 2 बार लिखे, पर अपने तो एक ही है, तो इसलिए अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पॉइंट ए, डिविडेंड के ऊपर 2 पॉइंट, पर डिविडेंड के ऊपर चर्चा होती है, इसलिए मैंने आपको डिविडेंड हाईलाइट करवा दिया। और एक पॉइंट कौन सा आ गया? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, तो वो भी आ गया। और एक आप एडिशनल लिख सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ, लिख दो वहां पे ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इफ एनी, इफ एनी, इफ एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल अपॉइंटमेंट, आप अपने हाथों से लिख देंगे वहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ, लिखो ना बेटा, अच्छा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इफ एप्लीकेबल। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको समझा होगा कि किस तरह से जो सेक्शंस है उसको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है 2 मिनट में एक बार रैपिड फायर राउंड कर ले रहे हैं। चलो खत्म करेंगे, लास्ट 2 मिनट्स, हरी फास्ट फास्ट। अच्छा चलो, एक बार बताओ मुझे, मीटिंग की जो नोटिस है वो कौन से सेक्शन के अंदर इशू की जाती है? क्या सारे के सारे मेंबर्स को मिलेगी? एक भी शेयर क्यों ना हो तो भी क्या आपको नोटिस मिलेगा? इसी नोटिस में क्या 4 चीजें लिखी होती है? बोलो, डे प्लेस आर एजेंडा। डे शुड बी एनी डे अदर देन अ, प्लेस क्या होता है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, टाइम शुड बी द बिजनेस आवर्स मतलब मॉर्निंग 9 to evening, एंड एजेंडा में क्या होता है अड्डा, क्या है अड्डा बोलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल। नोटिस इशू कौन करता है? यूजुअली इट इज द बोर्ड ऑफ, मतलब अकेला डायरेक्टर नोटिस इशू नहीं कर सकता, बट अगर डायरेक्टर चाहे कि अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तो क्या ये पर्सन ऑथराइज रहेगा मीटिंग बुलाने के लिए? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। और मेरा एक सवाल है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग, एक मीटिंग शेयर होल्डर की, दूसरी कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और तीसरी कौन सी? आज हमने जो रिलायंस का वीडियो देखा वो कौन सा? AGM. और मेस्वानी ब्रदर नीता अंबानी अगर आ गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अडानी के जितने लेंडर्स है वो क्या करेंगे? तो वापस से बोलना, 3 टाइप की मीटिंग कौन सी? नंबर 1 शेयरहोल्डर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स। आई थिंक आप यू आर एबल टू कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिकल। क्या आपको लगता है इसी अंदाज में पढ़ने से आपको ध्यान रहेगा? क्या आप इसको, आपको लगता है रिवाइज करने की कोई जरूरत भी है? मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ते हैं ना, तो रिविजन की बहुत जरूरत, बिकॉज वो दिमाग में छप जाता है, समझ आ रहा है? तो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न लॉ। लोग कहते हैं लॉ थ्योरी, हम कहते हैं लॉ प्रैक्टिकल है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स, बाय बाय लाइव स्ट्रीमिंग। कुछ आपके सवाल है तो जरूर आप स्क्रीन पे पूछ सकते हैं, आपको एक लिंक दी जाती है उसको आप क्लिक करें। आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर हम लोग SPC प्राइम पर लेक्चर नहीं चलाएंगे, वो YouTube पर ही चलेंगे। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपके नोट्स निकल चुके होंगे, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, विद इन 7 डेज यू विल गेट द नोट्स। थैंक यू सो मच गाइस,
लाइव स्ट्रीमिंग वालों कैसा लगा आपको लेक्चर आज का? फेस टू फेस किड्स, आप लोग ब्रेकफास्ट करके जरूर आना, नहीं तो फिर बाद में आपको ऐसे लगेगा बहुत भूख भूख एक बजे के आसपास. गो एंड कम बैक गाइस, यू हैव टाइम. थैंक यू सो मच गाइस. मैम इस पेज का लिंक पिन करवा दो, करवा देता हूं. बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच. थैंक यू मयंक, थैंक यू उमेर, सिंधु, थैंक यू सो मच, सचिन, थैंक यू. लॉ पढ़ के लगा कि थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं, क्या बात है. थैंक यू सो मच सूर्यादेव, थैंक यू सो मच सुदीप, थैंक यू रक्षित, स्नेहा, अभिषेक, द फैंटेसी, थैंक यू सो मच मिताली, थैंक यू एवरीबॉडी, पलकुरी, थैंक यू सो मच प्रीशा, थैंक यू. डिटेल सेक्शन हम लोग कल 101 पढ़ेंगे ना बुक में से, तब वो सेक्शन पढ़ेंगे अच्छे से. शिवानी थैंक यू, प्रथम थैंक यू सो मच. ये पीडीएफ मैम, ये जो आज के जो नोटिस का पीडीएफ डाल दोगे क्या, कैसे डालोगे? अच्छा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आ जाएगी आपको आधे घंटे में, क्या पीडीएफ डाल दीजिए. अच्छा कमेंट्स में जो आपको एक पिन किया गया है ना, डाल दिया गया स्वप्निल पटनी के नाम से, कमेंट्स में पिन किया गया है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी ऑफ दिस नोटिस. ओके वर्चुअल किट्स क्लिक करके डाउनलोड कर लो, उसकी लिंक दी है. फीलिंग ग्रेट नीरज, हैप्पी बर्थडे आपको. हैप्पी बर्थडे नीरज, एक बार नीरज के लिए हैप्पी बर्थडे बोल दो यार. और बोल रहा एक बार सबको बोलो मुझे विश करने के लिए, मेरा दिन और साल बन जाए. एक बार बोल दो हैप्पी बर्थडे उसको. हैप्पी बर्थडे टू यू नीरज. ए रोशनी थैंक यू सो मच. खान मिस्टर खान थैंक यू, पढ़ने में मजा आ गया. आयुष कह रहा है, आयुष क्या बात है, थैंक यू सो मच. ओके थैंक यू गाइस, आई होप आपके सारे सवाल हो गए. ये लेक्चर बेटा तुरंत ही अभी पहले 7 days तक तो YouTube पे है, तो आपको GDPD के लिए भी यही एप्लीकेबल है. जैसे YouTube पे खत्म हो जाते हैं ना, तो हर लेक्चर जिस दिन हो जाता है 2 घंटे में आपको मिलने लग जाता है. तो जैसे अभी 10 बजे लेक्चर हुआ, तो 12 बजे आपको SPC प्राइम पे मिल जाएगा. अमन आई जस्ट चेक इट आउट. मेरा नेफ्यू आपको बहुत लाइक करता है, रोज स्क्रीन के सामने आपको विश करता है. और शिवानी जी थैंक यू आपके नेफ्यू को भी, मेरा भी बर्थडे आज, वैभव हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच. प्रथम आई जस्ट चेक टुडे कि क्या हो गया है. निरंजन थैंक यू सो मच. वो पेज ऑलरेडी पिंड है ना बेटा, ये पिन जो किया वही ना, वो जो पिन किया वही है, नोटिस है ना, मतलब जो सब एक साथ कर देना, वो भी डाल देना फिर उसमें. हेलो शिवानी, नहीं नहीं क्लोज नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन करके यही फायदा होता है जल्दी से कि आपको बुक्स तुरंत डिस्पैच हो जाती है ना, ताकि आपको फिर अगर आप जितना लेट करोगे उसके बाद में और 7 दिन आपको लगेगा. कल का अकाउंट का लेक्चर बेटा यूट्यूब पर ही है ना, तो अलग से अपलोड क्यों होगा, ये पहले 7 डेज के सारे लेक्चर यूट्यूब पर ही होंगे. स्माइल आपका जो डेटा है ना वो आप वहां पे डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में. अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम है, बुक्स वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसको क्लिक कर इसको भरे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. FMSM की क्लासेस जो है अभी एक चालू होगी, एक 4 तारीख से चालू होगी और एक 1 दिसंबर से चालू होगी. चैप्टर का नाम मीटिंग,
डिस्पैच का आई जस्ट चेक. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर. स्माइल मिस्टर स्माइल, आपका वो डेटा सबमिट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. आप मुझे 8669661234 पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच, टेक केयर.